अगर बॉलीवुड में आने वाली नई फिल्मों का जिक्र किया जाए तो मैं आपको बता दूंगी बहुत से एक्टर्स उस रेस में भाग ले चुके हैं। जहां अक्षय कुमार और अजय देवगन इस रेस के लिए पूरी तरह रेडी हैं, वहीं एक और स्टार है जो इस रेस में हिस्सा ले चुके हैं। तो आखिर कौन है वो स्टार, क्या होगी उनकी आने वाली फिल्म से जुड़ी खास बातें, तो आइए जानते हैं। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म गणपत चैप्टर 1 की। तो दोस्तों, इस फिल्म में काम करने के लिए मेकर्स ने पुराने स्टार्स को ना लेकर एक नए स्टार यानी के टाइगर श्रॉफ को ही क्यों चुना? तो मैं आप सभी की इस बात का जवाब भी आप सभी को दे दूं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर श्रॉफ इकलौते ऐसे यंग एक्टर हैं जिनका नाम फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में आया है, और वो भी साल 2018 से साल 2021 तक, यानी कि उनके करियर शुरू होने के 4 साल के अंदर अंदर टाइगर ने इतना बड़ा तीर मार दिखाया। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ वही एक्टर हैं जिन्हें बॉलीवुड में आए हुए अभी कोई ज्यादा समय नहीं बीता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में फिल्म हीरोपंती के साथ की थी। उस फिल्म के बाद तो जैसे एक नया सितारा आसमान में चमकने लगा। टाइगर श्रॉफ हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनका डेडिकेशन अपने काम को लेकर कभी कम नहीं हुआ है। अपने पिता जैकी श्रॉफ के फिल्म इंडस्ट्री में होने के बाद जब टाइगर ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें बहुत लोगों ने उनके अपीयरेंस के ऊपर ट्रोल किया, उन्हें फ्लॉप तक कहा, उनके बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें कही। लेकिन टाइगर ने इस बात से खुद को डीमोटिवेट नहीं, मोटिवेट किया, और ये बात का साफ साफ सबूत है उनकी फिल्म जो हीरोपंती के बाद आई यानी के बागी सीरीज और वॉर। इन मूवीज में टाइगर श्रॉफ जब वापस आए, जब टाइगर श्रॉफ ने अपनी वापसी की तो टाइगर का जो लुक था, ना सिर्फ उनका फिजिक बल्कि उनकी पूरी अपीयरेंस नई हो गई थी। लोगों को वो देखकर इतना बड़ा धक्का लगा कि सभी ट्रोलर्स चुप हो गए। टाइगर ने उस सब को अपनी राह का पत्थर ना बनाते हुए उस सभी को एक्सेप्ट किया और उस सभी पर काम किया। इस बात से पता लगता है कि टाइगर फिल्म इंडस्ट्री में रहने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उनके मन में एक स्टार बनने की लगन साफ दिखाई देती है। टाइगर के कई सपने थे और एक सपना था ऋतिक रोशन के साथ स्क्रीन शेयर करना। उनका वो सपना भी पूरा हुआ जब उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म वॉर में काम किया। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। उनके ऑल टाइम फेवरेट स्टार ऋतिक रोशन, उनके साथ काम करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी थी। ये सब तो दोस्तों टाइगर की मेहनत और लगन का नतीजा है कि उनके सभी सपने पूरे हो रहे हैं और उनकी अभी तक की ज्यादातर फिल्में सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में रही हैं। वहीं आने वाला साल भी टाइगर के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। टाइगर साल 2021 में कई नई फिल्मों में नजर आने वाले हैं और वो भी नए नए किरदारों में। और टाइगर ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है कि वो अपनी हर फिल्म में अपनी पिछली काम की गई फिल्मों से अलग नजर आने वाले हैं। यानी कि टाइगर अपने ऑफ स्क्रीन लुक और अपनी ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग, बिल्कुल हट के काम करने वाले हैं। तो आइए उनकी साल 2021 की पहली फिल्म यानी कि गणपत चैप्टर 1 की कुछ बातें करते हैं। तो खबर तो दोस्तों ये है कि फिल्म गणपत चैप्टर 1, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, इस फिल्म के 2 चैप्टर्स होने वाले हैं, जिसमें से पहले चैप्टर पर काम करना टाइगर श्रॉफ ने शुरू कर दिया है। इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल का मानना है कि अगर इस फिल्म के लिए कोई एक्टर बेस्ट है तो वो है सिर्फ टाइगर श्रॉफ। उनका मानना है कि इस फिल्म के लिए उनसे बेहतर चॉइस कोई और नहीं हो सकती थी। इससे पहले तो दोस्तों हम सभी ने बहुत सारे एक्टर्स को देखा है जिन्होंने बॉक्सिंग की है, जैसे जॉन अब्राहम, रणदीप हुडा, और 90s के दशक में भी हमने कई एक्टर्स देखे जैसे आमिर खान और मिथुन दा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। और ये ही नहीं, हमने फीमेल एक्ट्रेसेस को भी देखा है। प्रियंका चोपड़ा का प्रदर्शन फिल्म मैरी कॉम में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ था। तो अब दोस्तों इन एक्टर्स को ना चुनकर मेकर्स ने टाइगर श्रॉफ को ही क्यों चुना? और वहीं अगर एक तरफ बॉलीवुड के फिटेस्ट एक्टर्स की गिनती की जाती थी तो उसमें नाम आता था विद्युत जामवाल का, जॉन अब्राहम का और अक्षय कुमार का। लेकिन जब टाइगर श्रॉफ का काम उनकी फिल्म जैसे वॉर और बागी में देखा गया तो उनका नाम भी इस लिस्ट में आने लगा। तो कहीं यही वजह तो नहीं है कि टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म के लिए साइन किया गया है? टाइगर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें ना सिर्फ उनके लुक्स और उनके फिजिक बल्कि उनकी एक्टिंग,
उनके डांस और उनके एक्शन के लिए भी सब पसंद करते हैं। सिर्फ ये ही नहीं, टाइगर खुद ही बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। टाइगर सिर्फ एक फील्ड में नहीं बल्कि अलग अलग फील्ड्स में मेहनत करते हैं। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें रेसलिंग और बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है, यहाँ तक कि एमएमए भी करना वो बहुत पसंद करते हैं। टाइगर श्रॉफ तो बॉक्सिंग और रेसलिंग की ट्रेनिंग भी लेते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि टाइगर श्रॉफ ऐसी फिल्म करने के लिए भला मना कैसे करेंगे। तो इस बात को भी मैं आपको बता दूं कि जब टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो टाइगर ने इंस्टेंट हाँ कर दिया था। टाइगर तो जैसे दोस्तों टैलेंट का एक फुल पैकेज हो गए हैं, तो भला मेकर्स ऐसे एक्टर को अपनी फिल्म में क्यों नहीं लेना चाहेंगे। और ये ही नहीं, टाइगर एक लौते ऐसे स्टार किड है जो अभी तक हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में आने लगे हैं। टाइगर ने इतना कुछ इतने कम समय में कर दिखाया है कि मेकर्स को जो उन पर भरोसा है वो बढ़ता चला जा रहा है। फिल्म गणपत की कहानी दोस्तों एक गणपति भक्त के इर्द गिर्द घूम रही है। इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ एक गणपति भक्त यानी कि गणपत बने नजर आएंगे। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का किरदार एक टपोरी किरदार होगा, पूरा मुंबईया किरदार होगा। मुझे तो लगता है जो टाइगर श्रॉफ जो आज तक अनबिलीवेबल की श्रेणी में आते थे वो अब अनस्टॉपेबल की श्रेणी में आ जाएंगे। हाल ही में फिल्म गणपत का एक पोस्टर आया है, उस पोस्टर में टाइगर श्रॉफ का लुक तो बहुत अलग है। ये ही नहीं, पोस्टर भी काफी यूनिक था। आपको बता दूं कि पोस्टर में एक पूरा शहर जल रहा है, वहीं टाइगर बहुत कामली उस सबको बैठकर देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस सभी के पीछे कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी। गणपत से जुड़ा एक और डायलॉग सामने आया है, जब अपुन बहुत डरता है तब अपुन बहुत मारता है। इस डायलॉग का जरा दम तो देखिए दोस्तों, जैसे ही ये डायलॉग सामने आया लोग तो जैसे पागल ही हो गए। दोस्तों, ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास कुछ चटपटी बातें। अगर आपको इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे अब भाई टाइगर श्रॉफ, इनकी बात की जाए तो इन्हें कौन नहीं जानता। टाइगर श्रॉफ को पूरा बॉलीवुड जानता है। अब जहां कोरोना खत्म हुआ तो टाइगर श्रॉफ आने वाले साल में अपनी फिल्म लाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो भाई, क्या आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ की एक और नई फिल्म आने वाली है? क्या अलग अवतार में नजर आने वाले हैं इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ, और क्या अलग हट के होने वाला है इस फिल्म में? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे अभी तक के सबसे सुपरहिट न्यू कमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म की। अब भाई, जहाँ टाइगर श्रॉफ का नाम बिजी एक्टर्स की लिस्ट में जुड़ता चला जा रहा है तो उसके पीछे की वजह भी सुन लीजिए। आने वाले 2 सालों में लगातार टाइगर की नई फिल्में आने वाली। टाइगर अभी एक साथ 5 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। वहीं उनका आने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट होने वाला है फिल्म गणपत चैप्टर 1। जी हाँ, ये फिल्म गणपत चैप्टर 1 2021 के अंत तक या शायद 2022 के शुरुआत तक हम लोगों के लिए सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। जितना इस फिल्म का नाम अलग है उतना ही इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का किरदार अलग है। तो भाई, अब मैं बता देती हूँ कि ऐसा क्या अलग है इस किरदार में कि मैं बार बार किरदार की बात कर रही हूँ। तो भाई, जिस टाइगर को आज तक हमने एक्शन करते हुए देखा, हमने साधारण लड़की की एक्टिंग करते हुए देखा, वहीं इस फिल्म में वो एक मुंबई बेस्ड बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे। यानी कि उनकी अभी तक की सभी फिल्मों से सबसे ज्यादा अलग ये फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म में टाइगर एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आएंगे और इतना ही नहीं, एक टपोरी अंदाज में भी नजर आएंगे, क्योंकि आखिर वो बॉक्सर है तो मुंबई का ही ना। तो भाई, इस फिल्म में जरा सा ट्विस्ट होने वाला है। अब टाइगर जो हमारे लिए एक साधारण से शाये से लड़के हैं, वो इस फिल्म में बिल्कुल अलग हटके नजर आने वाले हैं। तो भाई, इस फिल्म को देखने में बहुत मजा आने वाला है। अब भाई, जहाँ टाइगर हैं फिल्म में तो टाइगर के लिए कोई हीरोइन तो जरूर सेलेक्ट की जा रही होंगी। तो आखिर वो हीरोइन कौन होंगी, या फिर यूं कहो आखिर वो हीरोइंस कौन होंगी? तो भाई, मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में एक नहीं बल्कि 2 लीड हीरोइंस होंगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने, इस फिल्म में होंगी पहली हीरोइन यानी के नोरा फतेही और दूसरी हीरोइन यानी के नूपुर सनम।
अब जहां कृति सनन की बहन नुपुर सनन के लिए इस फिल्म में उनका डेब्यू होगा, वहीं नोरा फतेही यानी कि दिलबर क्वीन के लिए पहली बार बॉलीवुड की किसी मूवी में उन्हें लीड रोल मिलेगा। तो भाई टाइगर के साथ साथ फिल्म के दोनों एक्ट्रेसेस के लिए भी ये फिल्म काफी ज्यादा अलग और नई होने वाली। तो भाई ये थी बात दोस्तों एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल, जहां उन्हें हम कॉमेडी ड्रामा फिल्म्स जैसे क्वीन और शानदार के लिए जानते हैं, तो भाई मैं बता दूं कि उनके लिए भी एक ऐसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म डायरेक्ट करना जो कि रियल लाइफ कहानी पर आधारित हो काफी अलग प्रोजेक्ट है। तो भाई ना सिर्फ एक्टर ना सिर्फ एक्ट्रेसेस बल्कि फिल्म का डायरेक्टर, उनके लिए भी ये प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है। अब जहां बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो इस बात का जिक्र टाइगर श्रॉफ ने खुद इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए अपने फैंस से कहा कि ये फिल्म ना सिर्फ एक नई फिल्म है मेरे लिए बल्कि एक बहुत स्पेशल फिल्म है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसी ही फिल्म में हमेशा से काम करना चाहते थे। अब जिस टाइगर श्रॉफ को हम लोग जानते हैं कि वो मार्शल आर्ट्स ट्रेंड है, तो भाई बॉक्सिंग करना, रेसलिंग करना, मिक्स मार्शल आर्ट्स करना तो जैसे उनके बाएं हाथ का खेल है। तो जहां उन्हें विकास बहल ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, तो टाइगर श्रॉफ ने छूटते ही कहा कि हाँ मैं ये फिल्म करने के लिए राजी हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने तो फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी। जहां उन्होंने वर्ड सुना बॉक्सिंग, उन्होंने कहा भाई मैं राजी हूँ। तो इस बात से साफ पता चलता है कि टाइगर श्रॉफ हमेशा से एक बॉक्सिंग बेस्ड फिल्म करना चाहते थे। इतना ही नहीं, ऐसी फिल्मों में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। अब टाइगर श्रॉफ पूरे कोरोना लॉकडाउन में सिर्फ अपने फिजिक पर काम कर रहे थे और अभी तक वो अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग को एक प्रोफेशनल लेवल पर पहुंचा चुके हैं। एक रियल लाइफ बेस्ड फिल्म हो और मैं कहूं अगर आपको कि उसमें रियल फाइट भी देखने को मिलेगी तो आप लोग क्या रिएक्ट करेंगे? तो भाई मैं बता देती हूं कि ये खबर सच है, क्योंकि इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर्स को ही हायर किया है। जी हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सर्स को एक हाई अमाउंट पे कर इस फिल्म की रियलिटी को जिंदा रखा गया है। इतना ही नहीं, फिल्म में टाइगर श्रॉफ जो अभी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं वो रिंग में इन्हीं यानी कि असली लाइफ के प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ नजर आएंगे। अब जहां टाइगर श्रॉफ एक तरफ फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग कर रहे हैं और एक तरफ फिल्म गणपत की शूटिंग कर रहे हैं, तो टाइगर के लिए भी ये बड़ा ऑन ऑफ सा हो गया, क्योंकि दोनों फिल्में बड़ी ही डिफरेंट हैं। एक फिल्म जहां स्टाइल पर, कॉमेडी पर बेस्ड है, वहीं दूसरी फिल्म रॉनेस और टफनेस पर बेस्ड है। तो भाई टाइगर श्रॉफ की मेहनत दोनों जगह डबल हो रही है, तो इसका मतलब अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइगर श्रॉफ के कंधों पर है। आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कई हीरोज को हमने बॉक्सिंग करते हुए देखा, यहाँ तक कि जॉन अब्राहम आने वाले समय में हवा सिंह की बायोपिक में भी बॉक्सर बन के नजर आएंगे। लेकिन क्या टाइगर श्रॉफ जॉन अब्राहम की फिल्म से अच्छा कर पाएंगे? क्या इन दोनों के बीच का कॉम्पिटिशन काफी टफ होगा? तो भाई ये तो हम सभी को फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। अब ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम खास बातें। अगर आपको ऐसी ही बॉलीवुड की फिल्म से जुड़ी क्रिस्पी और इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ बने रहिए, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं जैन। तो दोस्तों, क्या आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ एक ऐसी फिल्म के साथ आने वाले हैं जो उनके करियर की अभी तक की सबसे अलग फिल्म होने वाली है? और इस फिल्म के किरदार में ऐसा क्या अलग होने वाला है जो आज तक टाइगर श्रॉफ ने नहीं किया? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे सुपरहिट न्यू कमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म गणपत चैप्टर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ साल 2020 में हमने बहुत सफन बहुत सी मूवीज मिस कर दी हैं, वहीं आने वाले साल में हमें बैक टू बैक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलने वाली हैं, और इस सब के लिए सबसे ज्यादा रेडी हो चुके हैं टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ की लगातार 5 या 6 फिल्म आने वाली है, यानी कि टाइगर श्रॉफ बैक टू बैक नई फिल्मों के साथ आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर ने अपनी कुर्सी की पेटी ली है, टाइगर फुल ऑन रेडी हो चुके हैं। अब जहां टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो हमें नहीं लगता था कि टाइगर श्रॉफ इतनी जल्दी अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर देंगे।
जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर एक्टर्स को अगर देखा जाए तो वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ अभी इतने कम समय के बाद ही अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्मों की, तो जहाँ एक तरफ वो नजर आने वाले हैं अपनी डेब्यू फिल्म के सीक्वल के साथ, वहीं दूसरी तरफ वो हमें नजर आने वाले हैं कुछ बड़ी फिल्मों के सीक्वल में भी। जी हाँ, 90s की कुछ पुरानी फिल्में आने वाली हैं जिनके सीक्वल में हमें टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं। और जहां एक तरफ वो नजर आने वाले हैं कॉमेडी फिल्म में, वहीं दूसरी तरफ नजर आने वाले हैं एक एक्शन फिल्म में। तो इसका मतलब टाइगर श्रॉफ एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। अब जहां बात की जाए टाइगर श्रॉफ ने जिस फिल्म पर काम करना सबसे पहले शुरू किया है उस फिल्म की, तो उस फिल्म के मुताबिक टाइगर श्रॉफ का किरदार एक ऐसा किरदार है जो आज तक उन्होंने नहीं किया है। यानी कि सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट उनका हमें फिल्म गणपत चैप्टर 1 में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आने वाले हैं एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, विकास बहल डायरेक्टोरियल फिल्म गणपत चैप्टर 1 में टाइगर श्रॉफ हमें एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आएंगे, और इस फिल्म में वो बने हैं एक गणपति भक्त, यानी कि टाइगर इज स्टारिंग इन एंड एज गणपत। तो भाई अब ये गणपत रहता कहाँ है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में गणपत की यानी कि मुंबई के एक साधारण से लड़के की जिंदगी दिखाई गई है। अब मुंबई का साधारण लड़का है तो साफ सी बात है मुंबई में रहता होगा। जी हाँ, ये मुंबई में ही रहने वाला एक साधारण सा लड़का है, लेकिन इसके सपने जरा असाधारण हैं, जरा बड़े हैं, जरा अनोखे हैं। तो इस गणपति भक्त को अपना वो सपना पूरा करना होता है। तो यानी कि इस फिल्म की कहानी में एक साधारण से लड़के से एक बॉक्सर बनने की जर्नी दिखाई गई है। अब बॉक्सर यानी कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में हमें बॉक्सर बने नजर आएंगे। तो टाइगर श्रॉफ को हम पहली बार बॉक्सिंग करते हुए ऑन स्क्रीन देखेंगे। अब मानो जैसे फिल्म के गणपत का यानी कि असल गणपति भक्त का सपना रियल जिंदगी में भी गणपति बप्पा ने सुन लिया हो। दोस्तों बहुत से इंटरव्यूज में हमने टाइगर श्रॉफ को ये कहते हुए सुना था कि वो एक ऐसी फिल्म करना चाहते हैं जिसमें वो बॉक्सिंग दिखा पाए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर श्रॉफ ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन है। जी हाँ, और इसके अलावा टाइगर की कुछ हॉबीज हैं जिनको सुनकर आप जरा से हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ को रेसलिंग, MMA और बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। तो वहीं जहां इस फिल्म की स्क्रिप्ट टाइगर श्रॉफ के पास आई तो टाइगर श्रॉफ खुशी से झूम गए। तो अब जहां उनके हाथ में उनकी सपने की फिल्म है तो उसमें वो मेहनत कैसे ना करें। अब जहां इस फिल्म में हमें टाइगर का एक तरफ रफ एंड टफ रूप देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलेगा रोमांस का तड़का। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ रोमांस करते हुए नजर आएंगे अपनी डेब्यू फिल्म की हीरोइन के साथ, यानी कि कृति सनन के साथ, जो देखना बड़ा ही मजेदार होने वाला है। इसका मतलब आने वाला साल टाइगर के फैंस के लिए दिवाली होने वाला है, जहां टाइगर का रफ एंड टफ किरदार, जहां उनके फिजिक, जहां उनके हॉट लुक्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, वहीं साथ साथ हमें देखने को मिलने वाली है टाइगर की मुक्केबाजी, टाइगर का रोमांस। तो दोस्तों मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, लेकिन अब ये फिल्म रिलीज कब हो रही है तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म रिलीज होगी साल 2022 में, और इसका खुलासा खुद टाइगर श्रॉफ ने एक मोशन पोस्टर रिलीज करते हुए अपने फैंस के साथ शेयर किया था। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर टाइगर श्रॉफ का इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट साफ नजर आ रहा है। उन्होंने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा कि ये फिल्म उनके करियर की आज तक की सबसे स्पेशल फिल्म है, और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी लिखा कि वो कृति सरन के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। उनके जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने में वो खुद को बहुत लकी समझते हैं। तो दोस्तों जहां टाइगर श्रॉफ और विकास बहल के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत नया है, वहीं हम सब के लिए भी ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा नया है। तो अपनी एक्साइटमेंट को कम मत होने दीजिएगा, और अगर आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। क्या टाइगर श्रॉफ के गणपत की कहानी हो चुकी है लीक? कब होने वाली है ये फिल्म रिलीज? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। टाइगर श्रॉफ की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी फिल्मों में ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साथ कुछ धमाकेदार डांस नंबर तो देखने को मिलते ही है। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म का ऐलान किया था जिसका नाम है गणपत, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि इसके मेकर्स के अलावा टाइगर श्रॉफ के फैंस को भी चौंकाने वाली है। पता चला है कि इस फिल्म की कहानी लीक हो चुकी है
और ये भी पता चला है कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में क्या करते हुए नजर आएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि टाइगर श्रॉफ फिल्म में अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ के पिता एक मास्टरमाइंड का किरदार करने वाले हैं। इसी दौरान उनका मर्डर उनके साथियों द्वारा हो जाता है। इसके बाद टाइगर श्रॉफ का एक्शन अवतार फिल्म में देखने को मिलेगा, मतलब कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। धुआंधार इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। वहीं आपको बता दें टाइगर श्रॉफ की जो ये फिल्म है गणपत, वो भी एक फ्रेंचाइजी के रूप में आएगी, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बनेगी। अब तक गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट हुई है। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक साथ की जाएगी, लेकिन इन्हें रिलीज एक साल के गैप में किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत में उनके साथ लीड एक्ट्रेस कौन नजर आने वाली है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में लाइनअप में है। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग वो इस साल के एंड में शुरू कर सकते हैं और हीरोपंती 2 को अगले साल ही रिलीज किया जाएगा। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने खुद की वॉइस में 2 गाने भी रिकॉर्ड किए हैं, जो कि रिलीज हो चुके हैं और धमाका मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और टाइगर के लिए कहा जा रहा है कि टाइगर मल्टी टैलेंटेड है, मतलब कि सिंगिंग, एक्टिंग, डांस और एक्शन एक फुल पैक है। और दोस्तों जितने भी न्यू कमर्स हैं, जितने भी यंग स्टार्स हैं, उनमें से नंबर 1 पर है टाइगर श्रॉफ, सभी को उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया है। तो दोस्तों आपको कितना इंतज़ार है गणपत चैप्टर 1 का, कैसी है इसकी स्टोरी और किसे देखना चाहते हैं लीड रोल में एज अ एक्ट्रेस, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए, तो भाई न्यू कमर्स की बात की जाए तो बहुत से नाम दिमाग में आते हैं, लेकिन अगर हम बेस्ट न्यू कमर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले किसका नाम आता है, क्या आपके दिमाग में भी टाइगर श्रॉफ आते हैं? और अगर आते हैं तो भाई बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं आप। तो क्या आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ एक नई फिल्म के साथ आने वाले हैं? क्या उनकी इस फिल्म में कुछ अलग हटके होने वाला है? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे सुपरहिट न्यू कमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म के बारे में। तो भाई देखिए, टाइगर श्रॉफ का कमाल हमने आज तक देख लिया है। इन 6 सालों में टाइगर श्रॉफ ने जितनी फिल्में की, उस हर फिल्म में उनकी एक्टिंग, उनकी फिजिक, उनके लुक्स सबकी अलग अलग तारीफ की जाए ना, तभी वर्थ होता है। टाइगर श्रॉफ ने अपनी हर फिल्म में कुछ नया कर दिखाया। किसी फिल्म में उनके एक्शन से उन्होंने हमें इम्प्रेस किया, वहीं किसी फिल्म में उनकी एक्टिंग से। भाई जहां उनका कमाल हमने हीरोपंती में, वॉर में और बागी सीरीज में देख लिया है, वहीं आने वाले साल में वो जिस फिल्म के साथ आने वाले हैं वो फिल्म बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग हटके है। उस फिल्म में उनका किरदार एक ऐसा किरदार होने वाला है जो आज तक उन्होंने अपनी किसी फिल्म में नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में बिल्कुल अलग रोल निभाने वाले हैं। यानी कि अब वो अलग रोल क्या होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक स्पोर्ट्स मैन के किरदार में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ को आज तक हमने आर्मी ऑफिसर बने देखा, साधारण लड़का बना देखा, लेकिन कभी स्पोर्ट्समैन बना नहीं देखा। तो दोस्तों इस फिल्म में हम उन्हें वो होता हुआ भी देख लेंगे। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आएंगे कोई ऐसे वैसे स्पोर्ट्समैन बनकर नहीं, बल्कि एक बॉक्सर बनकर। जी हाँ, मार्शल आर्ट्स ट्रेंड टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में बॉक्सिंग करने वाले हैं, और वो भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके टैलेंट्स के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिनके अलग अलग स्किल्स के बारे में हर कोई जानता है। तो भाई एक और स्किल ऐड कर लीजिए इस लिस्ट में, बॉक्सिंग का। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ आज तक मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे, और वहीं साथ साथ सब जगह ये भी कहते थे कि उन्हें रेसलिंग, MMA और बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, वो तो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी लेते थे। लेकिन जब टाइगर श्रॉफ को पता लगा कि उनके हाथ कोई ऐसी फिल्म आने वाली है, तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग डबल कर दी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। टाइगर श्रॉफ को जब विकास बहल ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई, तो टाइगर श्रॉफ ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने सिर्फ आधी स्क्रिप्ट सुनी थी और उसमें सुना था लव्स बॉक्सिंग।
उन्होंने कह दिया मैं ये फिल्म करूंगा, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा मिनट भी नहीं लगाया कि वो अपने थॉट को बदलें या कुछ और सोचें, बल्कि एक बार ही में फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। आज से पहले हमने फिल्म इंडस्ट्री में कई एक्टर्स को देखा है बॉक्सिंग करते हुए, जहां अभी तक अगर बेस्ट बॉक्सिंग प्रदर्शन की बात की जाए तो हमारे दिमाग में आती है प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा का मैरी कॉम में काबिले तारीफ प्रदर्शन था। उन्होंने ऐसा काम किया था कि हम लोग उस फिल्म को बार बार देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं ना, मैं तो भाई जरूर देख सकती हूँ। जब वो फिल्म आती है ना, तब मेरा जी चाहता है कि मैं उस फिल्म को देखती ही जाऊँ। उस फिल्म में कोई एड ब्रेक ना आए, बस मैं उस फिल्म को देखती जाऊँ। तो भाई क्या आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म से कुछ ऐसा कर पाएंगे कि लोग उनकी फिल्म को देखते हुए उसमें अटक जाएं, उसकी कहानी को टाइगर के साथ जी जाएं। भाई देखिए, अब टाइगर श्रॉफ तो आ रहे हैं अपनी फिल्म के साथ, लेकिन साथ साथ जॉन अब्राहम भी आ रहे हैं। जॉन अब्राहम आने वाले हैं एक बॉक्सिंग बायोपिक के साथ, यानी कि बॉलीवुड के दो फिटेस्ट एक्टर्स की बॉक्सिंग के ऊपर फिल्में आने वाली हैं। तो आखिर किसका मुक्का किसको तेज पड़ेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा और कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये देखना अभी बाकी है। दोनों की फिल्में आएंगी, दोनों फिटेस्ट एक्टर्स हैं और दोनों बॉक्सिंग करने वाले हैं। तो भाई बड़ा दिलचस्प होने वाला है इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन देखना। मैं तो वैसे सच बताऊं टाइगर की थोड़ी ज्यादा फैन हूँ, क्योंकि ना सिर्फ उनके पास फिजीक है, ना सिर्फ उनके पास लुक्स हैं, बल्कि साथ साथ एक्टिंग भी है। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप दोनों में से किसकी फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़ के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज़ लेती हूँ आप सभी से विदा। अब जहाँ बॉलीवुड में हर साल एक न्यू कमर आता है, वहीं एक ऐसा ही न्यू कमर साल 2016 में भी आया था। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों टाइगर श्रॉफ की। ये ऐसे न्यू कमर थे जो जब से आए हैं ना, तब से लेके अब तक तो बस धमाके पे धमाका कर रहे हैं। तो क्या आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ की एक और फिल्म आने वाली है? इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ क्या अलग हटके करने वाले हैं? तो दोस्तों आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट न्यू कमर की न्यू फिल्म की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फिल्म गणपत चैप्टर वन की। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गणपत चैप्टर वन क्यों कह रही हूँ, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म का ये रिलीज होने वाला पहला चैप्टर होने वाला है, यानी कि इस फिल्म का दूसरा चैप्टर भी आएगा। इसका मतलब ये फिल्म एक टू पार्ट फ्रेंचाइज का हिस्सा होगी, जिसमें से फिल्म के पहले पार्ट पर काम करना शुरू हो चुका है और दूसरा पार्ट भी दोस्तों जल्द ही हमारे लिए आएगा। तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आने वाले हैं एकदम अलग रूप में। अब वो अलग रूप दोस्तों क्या होने वाला है, वो भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। इस फिल्म में हमें टाइगर का एक्शन भी दिखेगा, टाइगर की बॉडी भी दिखेगी और टाइगर के गुड लुक्स भी दिखेंगे, लेकिन इस सब के साथ क्या नया दिखेगा? इस सब के साथ हमें दिखेगा टाइगर का बॉक्सर रूप। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आएंगे एक बॉक्सर के किरदार में। तो अब टाइगर श्रॉफ जहाँ इस फिल्म में बॉक्सर बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे सॉफ्ट से, हमारे शाय से टाइगर इस फिल्म में एक रफ एंड टफ लुक में नजर आएंगे। अब जहाँ टाइगर श्रॉफ ने अपनी पिछली फिल्मों में बंदूकों से लोगों को मार गिराया है, वहीं इस फिल्म में वो मुक्केबाजी से लोगों को मार गिराएंगे। तो भाई देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है टाइगर श्रॉफ का एकदम नया रूप। उनको आज तक एक्शन करते हुए देखा, अब उनको देखेंगे हम मुक्केबाजी करते हुए, बॉक्सिंग करते हुए। जहां वो फिल्म में हीरोइंस के साथ एकदम सॉफ्ट होने वाले हैं, वहीं रिंग में दूसरे बॉक्सर्स के साथ एकदम टफ होने वाले हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में बॉक्सिंग की एक्टिंग करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं इस फिल्म में वो असल में बॉक्सिंग करेंगे और वो भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स ने प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हैवी अमाउंट पे किया है, ताकि वो फिल्म में जो कहानी दिखा रहे हैं वो एकदम सच दिखे। तो इसके चलते टाइगर श्रॉफ ने भी जब फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग जो वो पहले से लेते आ रहे हैं उसको डबल कर दिया। अब टाइगर इस फिल्म में आए हैं तो भाई इस फिल्म में ज़रूर कुछ नया दिखेगा। अब मैं बता दूँ क्या नया दिखेगा, फिल्म के नाम पर चलते हैं। फिल्म का नाम क्या है? गणपत।
तो यानी कि इस फिल्म में जो गणपत होगा वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ होगा। अब गणपत से आप लोग क्या समझ रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ज़रूर आपके दिमाग में गणेश जी की पिक्चर बनी होगी। तो हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक गणपति भक्त बने हैं और वो वही गणपति भक्त हैं जो इस फिल्म में गणेश जी का यानी कि गणपति बप्पा का स्वागत करेंगे। अब इस फिल्म में जहाँ बात की जाए टाइगर श्रॉफ, तो उनके लिए कोई ऑन स्क्रीन रोमांस करने के लिए हीरोइन भी सिलेक्ट की जा रही होगी। तो दोस्तों इस फिल्म में एक नहीं बल्कि पूरी दो लीड हीरोइंस होने वाली हैं। जी हाँ, इस फिल्म में होने वाली हैं नोरा फतेही और होने वाली हैं उनके साथ कृति सनन की बहन नुपुर सनन। जहाँ एक के लिए इस फिल्म के जरिए पहली बार उन्हें लीड रोल मिलेगा, वहीं दूसरी के लिए बॉलीवुड में उनका डेब्यू होगा। यानी कि दोनों हीरोइंस के लिए ये फिल्म बहुत बड़ी होने वाली है। लेकिन इस फिल्म के एंड में किसी एक हीरोइन का दिल तो ज़रूर टूटेगा। अब आखिर टाइगर फिल्म के अंत में किसे चुनेंगे, कौन होगी वो जो होंगी टाइगर की टाइग्रेस? अब खबर ये भी है कि ये फिल्म 2022, बात करेंगे फिल्म गणपत की। फिल्म गणपत एक टू पार्ट फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने वाली है, यानी कि इस फिल्म के पूरे दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट पर यानी कि पहले हिस्से पर काम करना टाइगर के साथ डायरेक्टर्स ने शुरू कर दिया है। इस फिल्म में टाइगर हमें बॉक्सर के किरदार में नज़र आने वाले हैं और खबरों की माने तो ये फिल्म एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। तो क्या ये किसी की बायोपिक होने वाली है? इस फिल्म के जरिए फैंस के लिए खुशखबरी और है जो शायद आप समझ गए होंगे बॉक्सिंग वर्ड को सुनकर। इस फिल्म में हमें टाइगर की मस्कुलिनिटी देखने को मिलेगी, यानी कि फीमेल फैंस उनके एब्स का लुफ्त एक बार फिर उठा सकती हैं। आज तक जहां हम सभी ने टाइगर को एक्शन और डांस करते हुए काफ़ी दफ़ा देख लिया है, तो उन्हें बॉक्सिंग करते हुए देखना मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नया होने वाला है। टाइगर वही हीरो हैं जिन्होंने साल 2014 में फिल्म हीरोपंती के साथ अपना डेब्यू किया था और तब से लेकर आज तक उन्हें बॉलीवुड में 6 साल हो चुके हैं और उन्होंने इन 6 सालों में काफ़ी लगन और काफ़ी मेहनत के साथ अपना दर्जा और अपना ऊंचा नाम खुद बनाया है। टाइगर श्रॉफ में सभी मेकर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, आखिर दिखाएं भी क्यों ना। आज तक टाइगर की जितनी भी फिल्में आई हैं उस हर फिल्म में टाइगर की लगन साफ देखने को मिली है। उनकी हर फिल्म मोस्टली सुपरहिट रही है। टाइगर श्रॉफ की फिल्म चाहे वो हीरोपंती हो या बागी सीरीज, हर फिल्म में टाइगर हमें एक सीधे साधे किरदार में नजर आए। लेकिन इस बार टाइगर को एक बॉक्सर के किरदार में यानी कि एक काफी धाकड़ किरदार में देखने के लिए आप सभी रेडी रहिए। टाइगर एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमा दिखाया है। यहाँ तक कि सारे बॉलीवुड स्टार किड्स में अगर कोई लिस्ट बनती है तो उस लिस्ट में इनका नाम सबसे टॉप पर आता है। आज तक हमने जितने भी फिल्म सेट्स या अवार्ड फंक्शंस में कभी टाइगर को देखा है तो सबसे पहले हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कोई स्टंट या कोई डांस मूव करके दिखाएंगे। इस बात से साफ जाहिर होता है कि टाइगर को डांस करना, स्टंट्स करना बहुत पसंद है। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें MMA, रेस्लिंग और बॉक्सिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस बात से टाइगर की इस फिल्म को करने की एक्साइटमेंट को भी आप शायद समझ ही गए होंगे। सुनने में आया था कि जब टाइगर को ये स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो टाइगर ने तुरंत ही इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया था। जहां आज तक टाइगर की शाइनेस को लेकर वो बहुत मशहूर रहे हैं, मुझे लगता है साल 2021 में टाइगर हम सभी को सरप्राइज करने के लिए रेडी हैं। जहाँ एक फिल्म में वो मुंबईया किरदार में नज़र आने वाले हैं, वहीं एक फिल्म में बॉक्सर के किरदार में नज़र आने वाले हैं। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि टाइगर हमें कैसे शॉक करते हैं। टाइगर को रियल लाइफ में आपने उनके पिता जैकी श्रॉफ से काफ़ी प्यार और काफ़ी इज्जत के साथ पेश आते हुए देखा होगा। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इस फिल्म में पिता और बेटे की जोड़ी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। गणपत यानी कि नाम से साफ जाहिर होता है गणपति जी का भक्त। इस फिल्म में गणपति जी के भक्त का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार गणपति जी का
वेलकम किस अंदाज में करते हैं अपने टाइगर। वैसे तो अभी तक इस फिल्म की हीरोइंस को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हाल ही में एक खबर जरूर आई है कि इस फिल्म के लिए दो हीरोइंस को फाइनलाइज किया गया है। तो आप ही की तरह हमें भी इस बात का इंतजार है कि इस फिल्म में कौन दो हीरोइंस नजर आने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म गणपत चैप्टर वन से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको और इसी तरीके की बातें जाननी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से। जहाँ साल 2020 काफी शॉकिंग रहा, वहीं साल 2021 में सरप्राइजेस की शुरुआत हो चुकी है। क्या अभी तक के सबसे सुपरहिट न्यूकमर टाइगर श्रॉफ फिर वापस आ रहे हैं? आखिर किस किरदार में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ? क्या होगी उनकी आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर वन से जुड़ी खास बातें, आइए जानते हैं। मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर वन की। जहां फिल्म इंडस्ट्री में एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ को काम करते हुए पूरे 6 साल हो चुके हैं, वहीं वो एक बार फिर नजर आने वाले हैं अपनी एक नई फिल्म के साथ। टाइगर ने फिल्म जगत में अपना डेब्यू फिल्म हीरोपंती के साथ 2014 में किया था। ये वही फिल्म है दोस्तों जिसका बुखार आज भी लोगों के सर से नहीं उतरा है। टाइगर की आने वाली फिल्म, इस फिल्म से भी हमें खूब उम्मीदें हैं। तो चलिए आइए इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें ही क्यों ना कर लें। टाइगर की आने वाली नई फिल्म यानी के गणपत चैप्टर वन एक रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। तो इस बात से दोस्तों ये साफ साबित होता है कि ये फिल्म एक बायोपिक होने वाली है। टाइगर की मस्कुलिनिटी हम सभी को फिर इस फिल्म के जरिए एक बार स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। फीमेल फैंस के लिए तो काफ़ी खुशखबरी होगी ये, क्योंकि टाइगर के एब्स इस फिल्म के जरिए फिर देखने को मिलेंगे। टाइगर की आज तक बनी फिल्में, चाहे वो हीरोपंती हो या बागी सीरीज, हर फिल्म में टाइगर ने अपने रोल को काफी पूर्णता के साथ निभाया है। तभी तो अगर सबसे पहले किसी न्यूकमर का नाम लिया जाता है तो उसमें टाइगर का नाम सबसे पहले आता है। इस फिल्म के जरिए सभी फैंस को टाइगर का एक बार फिर नया रूप देखने को मिलेगा। जहां आज तक हम सभी ने उन्हें एक्शन डांस करते हुए देखा है, वहीं इस बार शायद हम उन्हें नए किरदार में देखें। जी हाँ, इस बार हम उन्हें देखने वाले हैं बॉक्सिंग करते हुए, तो वो काफी अलग होने वाला है। सभी फिल्म मेकर्स टाइगर श्रॉफ में अपना पूरा भरोसा दिखा रहे हैं, और आखिर दिखाए भी क्यों ना। टाइगर ने अभी तक सारी फिल्में सुपरहिट जो दी हैं, और मेकर्स की सबसे पहली चॉइस फिल्म गणपत के लिए टाइगर श्रॉफ ही थे। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आया है कि मेकर्स का मानना है कि इस फिल्म के लिए टाइगर से बेहतर चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसा मौका क्यों गंवाए मेकर्स? मेकर्स ने टाइगर श्रॉफ से इस फिल्म के पेपर्स साइन कर लिए हैं, और यहाँ तक कि उन्हें इस फिल्म के लिए पूरे 30 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। जहाँ टाइगर का नाम फिल्म जगत के बड़े बड़े डायरेक्टर्स जैसे अहमद खान और शब्बीर खान के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं वो इस फिल्म में डायरेक्टर विकास बहल के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। टाइगर को अक्सर हमने कई सेट्स पर, कई अवार्ड शोज में स्टंट्स परफॉर्म करते हुए देखा है। जी, इस बात से साफ जाहिर होता है कि टाइगर को MMA, रेसलिंग और बॉक्सिंग का बहुत शौक है। टाइगर हमेशा से कुछ इसी तरीके की फिल्म करना चाहते थे। तो जहां टाइगर को इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई, वहां टाइगर इस फिल्म को करने से मना ना कर सके, बल्कि उन्होंने एकदम ही इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। टाइगर इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। तभी तो पूरे कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने अपने फिजीक को एक स्पोर्ट्समैन की तरह बनाने की पूरी कोशिश की, और वहीं वो अब भी उसमें लगे हुए हैं। टाइगर की बढ़ती हुई मेहनत और लगन उनकी हर आने वाली फिल्म में साफ दिखाई देती है। इतने कम वक्त में इतना बड़ा नाम कमाना कोई आसान बात तो नहीं है ना। जहां आज तक टाइगर के एक्शन और डांस मूव्स के सब कायल हैं, वहीं इस बार उनका बॉक्सर परफॉर्मेंस देखने के लिए भी सब जरूर बेताब होंगे। कैसी रहेगी टाइगर की मुन्ना माइचल से गणपति भक्त बनने की जर्नी, ये तो हम सभी को मूवी देखने के बाद पता लगेगा। टाइगर श्रॉफ जिनकी शराफत और शाइनेस के चर्चे पूरे बॉलीवुड में जगह जगह मशहूर हैं, तो उन्हें एक धाकड़ किरदार में, एक टपोरी किरदार में देखना बड़ा ही एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा।
टाइगर हम सभी को बड़ा ही सरप्राइज करने वाले हैं और माने ना माने हमें इस बात का बहुत इंतज़ार है। इस फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए और फैंस की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए टाइगर अपनी बॉक्सिंग स्किल्स को खूब पॉलिश कर रहे हैं। फिल्म का नाम गणपत, ये नाम से साफ जाहिर हो रहा होगा, यानी कि इस फिल्म में बात की जा रही है गणपति जी के भक्त की, और कोई और नहीं बल्कि खुद टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में गणपति जी के भक्त का किरदार अदा करेंगे। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि इस बार गणपति जी का स्वागत कैसा रहेगा। आज तक फिल्म जगत में टाइगर ने 8 फिल्में की हैं, जिसमें से वो हमें 3 फ्लॉप्स भी दे चुके हैं। तो इस बार ये देखना काफी रोमांचक रहेगा कि टाइगर की आने वाली फिल्म से हम निराश होते हैं या टाइगर की दहाड़ पूरे बॉलीवुड में सुनाई देगी। और सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि डायरेक्टर विकास बहल के लिए भी ये काफी नया प्रोजेक्ट रहेगा। विकास बहल ने इससे पहले क्वीन और शानदार जैसी फिल्में की हैं, यानी कि एक्शन का कोई नामो निशान नहीं था उन फिल्मों में, एक्शन बॉक्सिंग इन सब का कोई निशान नहीं था। तो अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि विकास बहल कैसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो हम सभी के लिए क्या पेश करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी फिल्म गणपत चैप्टर 1 से जुड़ी कुछ खास बातें। आगे भी मैं ज़ैनी शाहनवाज लेकर आऊँगी आप सभी के लिए बॉलीवुड की फिल्मों की चटपटी बातें। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पॉलीग्राट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मैं ज़ैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से। भाई, टाइगर श्रॉफ को कौन नहीं जानता और कौन ऐसा होगा जिसने टाइगर की दहाड़ ना सुनी हो। तो दोस्तों, क्या आने वाले समय में टाइगर श्रॉफ एक ऐसी फिल्म के साथ आने वाले हैं जो हम सभी को सरप्राइज कर देगी, और क्या है ऐसा उस फिल्म में उनका किरदार, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे सुपरहिट न्यू कमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म गणपत चैप्टर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें इस फिल्म की, तो सबसे पहले तो इस फिल्म के नाम पर आते हैं। इस फिल्म का नाम लेते ही मेरे दिमाग में तो बप्पा आते हैं, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, और आखिर आए भी कैसे ना, फिल्म का नाम ही ऐसा है, फिल्म में टाइगर का किरदार ही ऐसा है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें गणपति भक्त बने नजर आएंगे। इस फिल्म में टाइगर के किरदार का नाम है गणपत, यानी कि टाइगर इज स्टारिंग इन एंड एज गणपत। तो दोस्तों, आज से पहले हमने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान, ऋतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा, इन सबको बप्पा का स्वागत करते हुए देखा है। वहीं आने वाले साल में हम टाइगर को बप्पा का स्वागत करते हुए देखेंगे। तो इसका मतलब बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये भक्त जो है ना, ये जरा हटके है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये भक्त इस फिल्म में बना है एक टपोरी, यानी कि पहली बार एक तो हम टाइगर श्रॉफ को एक टपोरी किरदार में देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे उन्हें एक गणपति भक्त बना हुआ, यानी कि इस बार बप्पा का स्वागत एक टपोरी सा गणपति भक्त करेगा। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ इस फिल्म के सरप्राइज की ओर। तो जरा सबसे पहले आप बैठिए या जो भी कर रहे हैं रुक जाइए, क्योंकि आपको लगने वाला है शौक। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं हमें एक बॉक्सर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले टाइगर को स्पोर्ट्समैन बना हमने कभी नहीं देखा, या तो हमने उन्हें एक आर्मी ऑफिसर बना देखा है या एक साधारण लड़का बना देखा है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन वो हम लोग पहली बार देखेंगे। और दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, वहीं जो रिस्क वो ले रहे हैं वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में खेलते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक रिस्क ले रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आने वाले, और वो स्पोर्ट्समैन होगा एक बॉक्सर। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा मजा तो इस फिल्म में तब आएगा जब हम टाइगर को प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ लड़ते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डाउट मत करिए अपने आप पर, आपने सही सुना है, प्रोफेशनल बॉक्सर्स। इस फिल्म में मेकर्स ने प्रोफेशनल बॉक्सर्स पर खूब पैसा खर्च किया है। फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर्स हमें टाइगर के खिलाफ उनके साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि फिल्म में फाइट तो है वो भी जबरदस्त वाली है, जहां एक तरफ टाइगर है जो ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन है, वहीं दूसरी तरफ है प्रोफेशनल बॉक्सर्स। अब दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि टाइगर ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन है, और यहां तक कि बॉक्सिंग, रेसलिंग और एमएमए तो उनके इंटरेस्ट है,
उनकी हॉबीज है भाई। आज तक मेरे जैसों की हॉबीज पूछो तो मेरी हॉबी तो बैठ कर टीवी देखना है, लेकिन टाइगर श्रॉफ इनकी हॉबीज तो कुछ अलग ही है। टाइगर हमेशा से एक ऐसी ही फिल्म में काम करना चाहते थे जहां वो बॉक्सिंग कर पाए, तो मुझे लगता है शायद इस भक्त की सच में गणपति बप्पा ने सुन ली। अब आप लोगों को बता दूं कि जहां फिल्म में टाइगर हैं तो फिल्म में टाइगर की हीरोइन भी होंगी, और टाइगर की हीरोइन है तो इसका मतलब रोमांस भी होगा। तो इसका मतलब ये फिल्म होने वाली है एक फुल पैकेज, जिसमें होने वाला है स्पोर्ट्स, थ्रिल, एक्शन और साथ साथ रोमांस। तो दोस्तों वो हीरोइन कौन होने वाली है जिसके साथ टाइगर फिल्म में रोमांस करते हुए नजर आएंगे? वो हीरोइन और कोई नहीं, उनकी डेब्यू फिल्म की लीड हीरोइन कृति सनन है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का खुलासा खुद टाइगर श्रॉफ ने एक मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए हम सभी को बताया था। उन्होंने ये भी लिखा कि वो कृति सनन जैसी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो इसका मतलब ये फिल्म जब भी आएगी धमाका कर ही जाएगी। अब ये फिल्म आएगी कब, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म आने वाली है साल 2022 के अंत तक, और इस फिल्म पर काम होना शुरू हो चुका है। फिल्म की शूटिंग में टाइगर श्रॉफ अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं या कुछ और पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा। कब से काम में लग जाएंगी टाइगर श्रॉफ गणपत पार्ट वन के लिए? कौन होगी उनकी हीरोइन फिल्म गणपत पार्ट वन में? क्या मेहनत करनी पड़ रही है टाइगर श्रॉफ को फिल्म के लिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं फिल्म गणपत पार्ट वन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। गणपत पार्ट वन एक आगामी बॉलीवुड फिल्म है जो विकास बहल द्वारा निर्देशित और निर्मित है, और वहीं वासु भगवानी, विकास बहल, दीपशिखा देशमुख और जाकी भगवानी द्वारा भी अब फिल्म 2022 में रिलीज होने के लिए निर्धारित है। और गणपत टाइगर श्रॉफ विकास बहल के निर्देशन में बनी अपनी अगली फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है जिसे बॉलीवुड के मुख्य द्वारा सिनेमा में कहीं भी पहले कभी नहीं देखा गया है, और टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर ऑलरेडी कर चुके हैं। टाइगर श्रॉफ ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिया और कहा, This one is special for me and especially for you guys. Presenting hashtag Ganpat, get ready for more action, thrill and entertainment. अब टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर आने वाले समय के लिए अपनी तारीखों पर काम करना शुरू कर दिया है, और भविष्य में होने वाली सभी फिल्मों के लिए एक खाका तैयार कर लिया है। अब इन फिल्मों में सबसे पहले टाइगर विकास की इस फिल्म के साथ ही शुरुआत करेंगे। सूत्रों के अनुसार भूमिगत सेनानियों के अंधेरा दुनिया में शोषण और हताशा की कहानियां से भरी हुई है। दर्शक इन झगड़ों पर दाव लगाते हैं क्योंकि वे घाटक एक से एक कांपते हुए खून में लिपट हो जाते हैं। यह एक खतरनाक जीवन है, और अब ये टाइगर श्रॉफ की बारी है कि वह अपने पेशेवर और व्यक्तिगत रहने की स्थिति के बारे में जानने के लिए भूमिगत सेनानियों से मिलेंगे। गणपत की शूटिंग के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि विकास और टाइगर पहले अपना होमवर्क पूरी तरह करना चाहते हैं। सूत्रों ने आगे कहा है, टाइगर श्रॉफ इससे पहले स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ पुनीत मल्होत्रा द्वारा निर्देशित और करण जौहर द्वारा, अपूर्व मेहता और हीरो जौहर द्वारा निर्मित है, और जो रिलीज हो गई थी फिल्म जो कि काफी एवरेज रही थी। अब गणपत फिल्म में टाइगर श्रॉफ की हीरोइन कृति सनन हो सकती है, जिनके साथ टाइगर रोमांस करते नजर आ सकते हैं। ये हम सब भी उम्मीद कर सकते हैं कि कृति सनन फिल्म में एक्शन करती नजर आएंगी, और सूत्रों से मिली ऐसी जानकारी के अनुसार निर्माताओं ने फैसला लिया है कि वह फिल्म गणपत की शूटिंग की शुरुआत दिसंबर के महीने से कर देंगे। एक बार शूटिंग शुरू होगी तो खत्म होने के साथ ही खत्म होगी, बीच में वह कोई आराम नहीं करेंगे। फिल्म में टाइगर एक बॉक्सर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रेनिंग लेना पहले से ही शुरू कर दिया है। टाइगर पहले से ही एक अच्छे स्टंटमैन और एक्शन हीरो में तो है ही, इसलिए उन्हें एक बॉक्सर जैसी कलाएं सीखने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नवंबर के महीने में हो सकता है कि फिल्म के निर्माता इसका पहला पोस्टर रिलीज करें और आधिकारिक रूप में इस फिल्म की भी घोषणा कर दें।
फिल्म गणपत में विकास टाइगर को कुछ इस तरह के पेश करेंगे जैसा उन्हें अभी तक पर्दे पर दिखाया गया नहीं है। बॉक्सिंग के साथ टाइगर मुंबई की बोली पर भी काम करेंगे। अब इस फिल्म को करण खत्म करने के बाद टाइगर अप्रैल के महीने से अपनी दूसरी फिल्म हीरोपंती 2 की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। इस फिल्म का निर्देशन अहमद खान करेंगे और साजिद नाडियावाला इसके निर्माता है। टाइगर की दोनों ही फिल्में एक्शन से भरी हुई हैं, लेकिन उनका रूप दोनों ही फिल्मों में अलग रहेगा। गणपत में टाइगर काफी हद तक वास्तविक नजर आएंगे, लेकिन शीर्षक के हिसाब से हीरोपंती 2 में टाइगर की हीरोपंती भी दिखाई देगी। और इन दोनों फिल्मों के अलावा टाइगर के पास रैम्बो की हिंदी रीमेक भी है। अब इस फिल्म को रोहित धवन निर्देशित करेंगे और एक बार हीरोपंती 2 की शूटिंग खत्म होगी उसके बाद टाइगर अपनी फिल्म रैम्बो की भी शुरुआत कर देंगे। अब टाइगर के स्केड्यूल के हिसाब से रैम्बो फिल्म की शूटिंग अगले साल के अंत में शुरू होगी। तो फिलहाल तो टाइगर जिम में पसीना बहा रहे हैं, तो दोस्तों आप भी जाइए। और भाई टाइगर श्रॉफ को कौन नहीं जानता, टाइगर श्रॉफ का कमाल किसने नहीं देखा। क्या आने वाले साल में हमें टाइगर की दहाड़ एक बार फिर सुनाई देने वाली है? क्या टाइगर कुछ अलग फिल्म लाने वाले हैं? क्या इस फिल्म में उनका किरदार कुछ अलग हटके होने वाला है? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियो, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे यंग स्टार किड टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म के बारे में। तो भाई मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि आने वाले 2 साल टाइगर श्रॉफ के लिए बहुत बड़े होने वाले हैं। आने वाले इन सालों में टाइगर श्रॉफ बहुत बिजी रहने वाले हैं, क्योंकि टाइगर ना तो सिर्फ एक ना दो बल्कि पूरे 5 प्रोजेक्ट्स के साथ आने वाले हैं। जहां एक तरफ वो कॉमेडी फिल्म जुड़वा 3 के मेन लीड हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें वो विलन के किरदार में खलनायक 2 में नजर आने वाले हैं, और साथ साथ रैम्बो रीमेक और हाउसफुल 2 और हीरोपंती 2 जैसी फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जिस फिल्म की शूटिंग उन्होंने शुरू की है वो उनकी की गई अभी तक की सभी फिल्मों में से सबसे अलग है। और मैंने अभी तक जितनी फिल्मों का नाम लिया उनमें से भी टाइगर इस फिल्म में हमें एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आने वाले हैं। यानी कि टाइगर की इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जितना अलग है उतना ही है अलग इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का रोल। टाइगर श्रॉफ हमें इस फिल्म में एक स्पोर्ट्समैन बने तो नजर आएंगे ही, लेकिन साथ साथ एक टपोरी बने भी नजर आएंगे। इसका मतलब जिस टाइगर श्रॉफ को हमने आज तक एक सॉफ्ट, एक नरम दिल, एक काइंड और एक शाय इंसान होते हुए देखा है, वही इस फिल्म में हम उन्हें एक टपोरी के किरदार में देखेंगे। और इतना ही नहीं, वो टपोरी होगा एक गणपति भक्त, यानी कि गणपति जी का स्वागत इस बार एक टपोरी करेगा। आज से पहले फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से एक्टर्स ने बॉक्सिंग की है, बहुत से एक्टर्स ने अपना प्रदर्शन हमें बॉक्सिंग फिल्म्स में दिखाया है। जहां आने वाले साल में जॉन अब्राहम भी एक बायोपिक, एक बॉक्सिंग बायोपिक के साथ आने वाले हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ भी एक बॉक्सिंग रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी के साथ आने वाले हैं। इसका मतलब 2 फिटेस्ट बॉलीवुड के एक्टर्स आपस में कम्पीट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी फिल्म चलेगी। जहां जॉन अब्राहम के पास फिजिक है, लुक्स हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ के साथ फिजिक और लुक्स के साथ एक्टिंग का तड़का भी है। तो भाई बड़ा मजा आने वाला है। अब इस फिल्म का ट्रेलर ही देख लीजिए। फिल्म के ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ की रॉनेस, टाइगर श्रॉफ की टफनेस साफ नजर आ रही है। जो टाइगर मार्शल आर्ट ट्रेंड है वो इस फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट्स ट्रेंड हैं। टाइगर श्रॉफ को मार्शल आर्ट्स करना हमेशा से बहुत पसंद है, और ये तो हमने उन्हें कई दफा फिल्म सेट्स पर, अवार्ड फंक्शंस में, रियलिटी शोज में परफॉर्म करते हुए भी देखा है। उनकी फिल्मों में वो जितना एक्शन स्टंट्स करते हैं सब खुद करते हैं। तो भाई एक बात आपको और बता दूं, इस फिल्म की सिर्फ आधी स्क्रिप्ट सुनी थी टाइगर श्रॉफ ने, और सुनते ही स्क्रिप्ट के लिए हाँ कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों हुआ। टाइगर श्रॉफ की बहुत बड़ी हॉबी है बॉक्सिंग करना, उन्हें रेसलिंग करना, एमएमए करना, बॉक्सिंग करना हद से ज़्यादा पसंद है। और वो तो हमेशा से कहते थे कि भाई कभी कोई फिल्म मिले बॉक्सिंग की तो मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा। और लो, विकास बहल ने उनकी बात सुन ली, उनका सपना सच कर दिया। विकास बहल ने पूरी स्क्रिप्ट टाइगर श्रॉफ को सुनाई, टाइगर श्रॉफ को बताया कि वो इसमें लीड किरदार में नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ तो वैसे ही आधी स्क्रिप्ट सुनकर इम्प्रेस हो चुके थे और हाँ बोल चुके थे, लेकिन जब उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी तो टाइगर श्रॉफ ने कहा कि हाँ, जो मैं अभी तक ट्रेनिंग ले रहा था अब मैं उसको डबल कर दूंगा, अब मैं इस फिल्म के लिए पूरी मेहनत कर दूंगा। तो भाई टाइगर श्रॉफ को आने वाले साल में एक बॉक्सिंग फिल्म में, एक स्पोर्ट्स फिल्म में, एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में देखने के लिए हम सभी रेडी। अब साथ साथ फिल्म की हीरोइन के बारे में भी सुन लीजिए।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ की डेब्यू फिल्म की लीड एक्ट्रेस यानी कि कृति सनन टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली है। पहले खबर थी कि शायद नूपुर सनन को इस फिल्म में लिया जाएगा, लेकिन अब खबर पक्की हो गई है और इस बात का खुलासा खुद टाइगर श्रॉफ ने एक मोशन पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर करते हुए हमें बताया और यहां तक कि ये भी लिखा कि वो कृति सनन जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो भाई जहां टाइगर श्रॉफ एक्साइटेड हैं, कृति सनन एक्साइटेड हैं, वहां फैंस कैसे ना एक्साइट हों। तो हाँ दोस्तों, सबके सब एक्साइटेड हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी टाइगर के शेयर किए हुए मोशन टीजर में साफ दिख रहा था कि फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ बन रही है। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ। भाई जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में नए नए एक्टर्स आने वाले साल के लिए पूरी तरह रेडी है, वहीं टाइगर श्रॉफ भी अपनी नई फिल्मों के साथ पूरी तरह रेडी है। तो ऐसा क्या है टाइगर श्रॉफ की आने वाली इस फिल्म में कि उन्होंने अपनी इस फिल्म को स्पेशल फिल्म बताया? ऐसा क्या अलग हटके होने वाला है टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में जो उनकी पिछली फिल्मों में नहीं था? तो आइए दोस्तों जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे सुपरहिट न्यूकमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म। हम बात करेंगे दोस्तों आज गणपत चैप्टर 1। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी मेहनत हमने अभी तक इतने सालों में हमेशा देखी। तो दोस्तों आने वाला साल तो जैसे टाइगर के फैंस के लिए खुशखबरियों से भरा होने वाला है। जहाँ टाइगर के फैंस के लिए सुबह होने वाली है ईद, वहीं शाम होने वाली है दिवाली। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ आने वाले साल में हम सभी के लिए पूरी लिस्ट बनाकर रेडी है। उनकी फिल्में तो जैसे कतार में लगी हुई हैं कि कब एक रिलीज हो तो कब दूसरी आ जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आने वाले साल में टाइगर श्रॉफ पूरी 5 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, आने वाले साल में टाइगर की 5 फिल्में आने वाली हैं। जहाँ एक फिल्म में वो एक्शन करते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी फिल्म होने वाली है कॉमेडी से रिलेटेड। अब जहाँ बात करें उनकी आने वाली या फिर यूं कह लूँ काम करने वाली सबसे पहली फिल्म की, तो वो फिल्म क्या होने वाली है तो मैं बता दूं दोस्तों, इन सभी फिल्मों से हटकर और उनकी काम की गई अभी तक की सभी फिल्मों से हटकर अलग है ये फिल्म। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ना तो एक्शन करेंगे ना तो कॉमेडी करेंगे, बल्कि ये फिल्म है एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म। जी हाँ, पहली बार हमें टाइगर श्रॉफ एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे। और दोस्तों ऐसी वैसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म नहीं, रियल लाइफ बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होने वाली है ये। जी हाँ, अब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की बात कर रहे हैं और रियल स्टोरी की भी बात कर ली, लेकिन आखिर वो स्पोर्ट है क्या जो टाइगर इस फिल्म में खेलने वाले हैं? आखिर वो किरदार है क्या जो टाइगर इस फिल्म में निभाने वाले हैं? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे एक बॉक्सर के किरदार में। जी हाँ, आज से पहले जिस टाइगर श्रॉफ को हमने एक आर्मी ऑफिसर के रोल में देखा, एक साधारण लड़के के रोल में देखा, इस बार हम उन्हें एक बॉक्सर के रोल में देखने वाले हैं। तो भाई इस फिल्म के लिए तो टाइगर श्रॉफ खुद बहुत एक्साइटेड है। मार्शल आर्ट्स ट्रेन्ड टाइगर श्रॉफ को जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई गई तो टाइगर ने कहा, ये फिल्म करने के लिए तो मैं ना ही नहीं कर सकता, ये फिल्म मैं जरूर करूंगा। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को करने के लिए एक झटके में हाँ बोल दिया। क्यों? क्योंकि उनकी हॉबी जो है बॉक्सिंग। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ इतने एक्साइटेड हैं कि उनके पूरे इंस्टाग्राम पर अभी रिसेंटली उन्होंने जितने भी पोस्ट शेयर किए हैं ना, सब इस फिल्म से रिलेटेड हैं। चाहे वो हो उनकी ऑफ स्क्रीन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की वीडियोस, या हो उनकी सेट की फोटोज, या हो उनकी वर्कआउट की वीडियोस, टाइगर श्रॉफ जैसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं अपने फैंस के साथ। हाल ही में उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर भी शेयर किया और इतना ही नहीं, एक मोशन टीजर भी शेयर किया। उस मोशन टीजर में एक चीज हमें साफ दिख गई, वो थी फिल्म की हीरोइन। तो आखिर वो फिल्म की हीरोइन है कौन? तो जाइए दोस्तों टाइगर श्रॉफ का इंस्टाग्राम पेज खोलिए, उसमें एक पोस्ट दिखेगा आपको और उस पोस्ट में आपको दिखेंगी कृति सनन। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ की लीड हीरोइन होने वाली है कृति सनन। तो इस बात से एक बात साफ साबित हो गई कि फिल्म की हीरोइन पक्की हो चुकी है और वो है और कोई नहीं बल्कि कृति सनन। अब जहां दोस्तों हीरो पता लग गया, हीरोइन पता लग गई, अब बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की कि आखिर कहानी होगी क्या। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है भाई, ठीक है हमें पता लग गया, लेकिन कहानी क्या होगी? तो मैं आपको बता दूं
ये फिल्म एक गणपति भक्त के इर्द गिर्द घूमने वाली है और ये वही गणपति भक्त है जो एक साधारण सा लड़का है, लेकिन उस साधारण लड़के का ख्वाब जरा बड़ा है। तो इस फिल्म में उस साधारण लड़के का एक बॉक्सर बनने का ख्वाब देखने से लेकर उसको पूरा करने तक की जर्नी दिखाई गई। और इस फिल्म में जो बने हैं गणपत, वो है और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ। यानी कि इस फिल्म में हमें टाइगर के फिजिक, टाइगर के गुड लुक, टाइगर की एक्टिंग और साथ साथ तो टाइगर की बॉक्सिंग का भी लुक उठाने को मिलेगा। यानी कि ये फिल्म एक फुल पैकेज होने वाली है। अब बात करें अगर इस फिल्म की रिलीज डेट की, तो वो भी टाइगर के शेयर किए हुए मोशन टीजर में हमें साफ दिख रही है। उसमें लिखा है कि फिल्म रिलीज होगी साल 2022। अब जहां फिल्म 2022 में रिलीज होने वाली है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बहुत लंबा समय हो गया ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ, वक्त जरा लंबा है, सब्र जरा लंबा है, लेकिन एक्साइटमेंट जो इस फिल्म से रिलेटेड है उसको प्लीज कम मत होने दीजिएगा, क्योंकि इस फिल्म में कुछ ऐसी बढ़िया बातें दिखेंगी जो अभी तक हमने टाइगर की फिल्मों में नहीं देखी। जैसे कि इस फिल्म में हमें टाइगर श्रॉफ दिखेंगे बॉक्सिंग करते हुए, वो भी प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ आम बॉक्सर्स के साथ बॉक्सिंग नहीं करेंगे, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से प्रोफेशनल बॉक्सर्स बुलाए गए हैं इस फिल्म में काम करने के लिए। तो दोस्तों ये हो गई एक बहुत बड़ी वजह इस फिल्म को देखने के लिए, इस फिल्म की एक्साइटमेंट को बरकरार रखने के लिए। तो दोस्तों टाइगर श्रॉफ अपनी हर फिल्म में अपनी पूरी मेहनत डाल देते हैं, हालांकि वो हैं तो एक स्टार के, लेकिन वो भी इस फिल्म के कैरेक्टर गणपत की तरह असल जिंदगी में सपने देखते हैं और उसे पूरा करने की चाह रखते हैं, और हाँ उसे पूरा भी करते हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको बॉलीवुड की फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी हासिल करनी है, तो हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ बने रहिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं जैनिशा नवाज देती हूँ। चैप्टर 1 में टाइगर श्रॉफ के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आने वाली है, क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें, और कौन है टाइगर श्रॉफ का पहला प्यार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन और डांस के लिए काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और अक्सर उनकी फिल्मों का इंतज़ार किया जाता है। और अगर उनके अफेयर की खबरों की बात करें, तो दिशा पाटनी के साथ अक्सर उन्हें जोड़ा जाता है, उनका नाम जोड़ा जाता है, लेकिन इस वैलेंटाइंस डे उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया कि दिशा पाटनी को भी झटका लग जाएगा। दरअसल टाइगर श्रॉफ से पूछा गया कि उनका पहला प्यार कौन है। अब जाहिर सी बात है कि उनके फैंस उसका नाम जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होंगे। तो आपको पहले ये बता दें कि वो दिशा पाटनी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ ने कहा कि मेरा पहला प्यार एक्शन है। जी हाँ, इसीलिए उन्हें एक्शन स्टार कहा जाता है। और उन्होंने खुलकर ये बात कही कि मेरा पहला प्यार एक्शन है। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कि वो धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आ रहे थे और फैन ही उनके एक्शन हैरान करने वाले होते हैं। साथ ही उन्होंने बागी से जुड़ी कुछ यादें भी शेयर की। और टाइगर की आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर 1 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाल ही में इसका एक मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, इससे पहले टाइगर उसमें नजर आए थे और अब एक्ट्रेस रिवील कर दी गई है, बाइक पे बैठी हुई सेक्सी लग रही है बिल्कुल कृति सैनन। और इस बार टाइगर के अपोजिट एक बार फिर से काम करने वाली है कृति सैनन, इससे पहले हीरोपंती में नजर आ चुकी है। इनकी केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आती है और लीडिंग लेडी के तौर पर दिखने वाली है। गणपत चैप्टर 1 की बात करें तो गणपत जो फिल्म है वो दो चैप्टर्स में आएगी, गणपत चैप्टर 1 और 2। इसमें दिखाया जाएगा टाइगर श्रॉफ की फाइटिंग जर्नी और उनके लव इंटरेस्ट के तौर पर, जैसे कि कृति सैनन है तो उनकी लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके अलावा एक इमोशनल बॉन्ड दिखाया जाएगा फादर और सन के बीच। और खास बात यह है कि इस फिल्म में टाइगर के जो पिता बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं जैकी श्रॉफ, तो इनकी केमिस्ट्री देखने के लिए भी लोगों को बड़ी दिलचस्पी है। और अब फिल्मों की बात करें तो हीरोपंती 2 से धमाल मचाने वाले हैं टाइगर श्रॉफ, अलावा बागी 4 की चर्चाएं हैं, जुड़वा 3, बहुत सारी फिल्में लाइनअप में है। धीरे धीरे शूट निपटाएंगे टाइगर और एक के बाद एक फिल्में रिलीज करेंगे। तो 2021 में वो अपनी फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट करेंगे
और हीरोपंती 2 का शूट वो शुरू करेंगे। अगले साल तक उनकी फिल्म गणपत चैप्टर 1 रिलीज हो जाएगी। तो कितना इंतजार रहता है टाइगर की फिल्मों का, गणपत चैप्टर 1 का कितना वेट हो रहा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड, क्या टाइगर श्रॉफ की गणपत की कहानी हो चुकी है लीक? कब होने वाली है ये फिल्म रिलीज? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। टाइगर श्रॉफ की फिल्मों का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। उनकी फिल्मों में ताबड़तोड़ एक्शन के साथ साथ कुछ धमाकेदार डांस नंबर तो देखने को मिलते ही है। हाल ही में उन्होंने एक फिल्म का ऐलान किया था जिसका नाम है गणपत। लेकिन इस फिल्म को लेकर अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो कि इसके मेकर्स के अलावा टाइगर श्रॉफ के फैंस को भी चौंकाने वाली है। पता चला है कि इस फिल्म की कहानी लीक हो चुकी है और ये भी पता चला है कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में क्या करते हुए नजर आएंगे। एक मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि टाइगर श्रॉफ फिल्म में अपने पिता की मौत का बदला लेते हुए दिखेंगे। इसके अलावा ये भी पता चला है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ के पिता एक मास्टरमाइंड का किरदार करने वाले हैं। इसी दौरान उनका मर्डर उनके साथियों द्वारा हो जाता है। इसके बाद टाइगर श्रॉफ का एक्शन अवतार फिल्म में देखने को मिलेगा, मतलब कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेंगे। धुआंधार इसमें एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस फिल्म को विकास बहल डायरेक्ट कर रहे हैं जो कि पहले भी इस तरह की शानदार फिल्में बना चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ की जो ये फिल्म है गणपत, वो भी एक फ्रेंचाइजी के रूप में आएगी, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में बनेगी। अब तक गणपत चैप्टर 1 और गणपत चैप्टर 2 की अनाउंसमेंट हुई है। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग एक साथ की जाएगी, लेकिन इन्हें रिलीज एक साल के गैप में किया जाएगा। टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत में उनके साथ लीड एक्ट्रेस कौन नजर आने वाली है, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए मेकर्स किसी नई लड़की की तलाश में है जो कि इस फिल्म से अपना डेब्यू करेगी। वहीं टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो बहुत सारी फिल्में लाइनअप में है। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग वो इस साल के एंड में शुरू कर सकते हैं और हीरोपंती 2 को अगले साल ही रिलीज किया जाएगा। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने खुद की वॉइस में 2 गाने भी रिकॉर्ड किए हैं जो कि रिलीज हो चुके हैं और धमाका मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और टाइगर के लिए कहा जा रहा है कि टाइगर मल्टी टैलेंटेड है, मतलब कि सिंगिंग, एक्टिंग, डांस और एक्शन एक फुल पैक है। और दोस्तों, जितने भी न्यू कमर्स है, जितने भी यंग स्टार्स है, उनमें से नंबर 1 पर है टाइगर श्रॉफ। सभी को उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया है। तो दोस्तों, आपको कितना इंतजार है गणपत चैप्टर 1 का, कैसी है इसकी स्टोरी और किसे देखना चाहते हैं लीड रोल में एज अ एक्ट्रेस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आखिर क्यों बने टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत के लिए निर्देशक की पहली पसंद? क्या कारण है कि इस फिल्म को हॉलीवुड से जोड़ा जा रहा है? स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में, मैं हूँ पूनम और आज हम बात करने जा रहे हैं गणपत मूवी के बारे में। टाइगर श्रॉफ, जिन्हें इंडस्ट्री के सबसे युवा अभिनेताओं में से गिना जाता है, वे जल्द ही गणपत नाम की एक नई फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि फिल्म की कहानी क्या होगी, इसमें कौन से कलाकार नजर आ सकते हैं और फिल्म का हॉलीवुड से क्या कनेक्शन होगा। इसलिए हमारे बस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें, टाइगर आज के दौर के जाने माने एक्शन हीरो माने जाते हैं। 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद टाइगर ने बागी सीरीज, मुन्ना माइकल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 और वॉर जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपना एक्शन का जलवा पेश किया है। टाइगर 80 और 90 के दशक के जाने माने अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, जिन्होंने हीरो फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। कुछ ही महीनों पहले सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ ने अपनी आने वाली फिल्म गणपत का फर्स्ट पोस्टर रिलीज किया था और कैप्शन में क्या लिखा था पता है? कैप्शन में लिखा था, यह मेरे लिए खास है और आपके लिए भी नया है। पेश है गणपत, तैयार हो जाइए और ज्यादा थ्रिल, एक्शन और एंटरटेनमेंट के लिए। बता दें कि हमें सोशल मीडिया पर गणपत का टीजर भी देखने को मिला है, जिसमें हम टाइगर श्रॉफ का एक डायलॉग भी सुन सकते हैं जो कुछ इस प्रकार है, जब अपना डरता है ना तब अपना बहुत मरता है। टाइगर ने इस फिल्म की खासियत बताते हुए कहा कि इस फिल्म में मेरा किरदार इससे पहले आई मेरी किसी भी फिल्म के किरदार से भिन्न है और यही इस फिल्म को मेरे लिए खास बनाती है। फिल्म के लिए टाइगर को चुने जाने पर निर्माता जैकी बगनानी ने बताया कि मुझे टाइगर एक ग्लोबल स्टार दिखते हैं, उनके अंदर वो सारी खूबियां और क्षमता है जो उन्हें खास और बाकियों से अलग बनाती है।
उनके फिल्मों के एक्शन सीन्स में इंटरनेशनल फ्लेवर होता है जो पूरी दुनिया के दर्शकों को अपनी ओर खींचता है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर इस फिल्म को हॉलीवुड लेवल का बनाना चाहते हैं और शायद यही कारण है कि उन्होंने इस फिल्म को एक फ्रेंचाइजी के रूप में प्रस्तुत करने की सोची है। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी एक बॉक्सर की जीवन कथा पर आधारित होगी जो उसके मुंबई की गलियों से निकलकर इंटरनेशनल लेवल की एक बॉक्सर बनने के सफर को दिखाएगी। फिल्म में टाइगर भगवान गणेश के भक्त बने दिखेंगे, इसलिए फिल्म का नाम भी गणपत रखा गया है। फिल्म में बाप बेटे के आपसी संबंध को भी एक सब प्लॉट के तौर पर दिखाया जाएगा। टाइगर के पिता के किरदार के लिए एक्टर की खोज अभी जारी है। मुंबई के पृष्ठभूमि में बन रही ऐसी ही फिल्म और ऐसा किरदार टाइगर ने पहले कभी नहीं किया। गणपत में टाइगर के एक्शन और डांस सीक्वेंस को फिर एक नए अंदाज में देखने को मिलेंगे जो टाइगर के फैंस के लिए काफी ज्यादा खास रहेगा। टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी है। भले ही वह एक शानदार काया के मालिक है लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में देखने के लिए उन्हें खुद पर और काम करना होगा। वह अपने मुक्केबाजी कौशल पर भी काम कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में स्पष्ट रूप से कई रिंग सीक्वेंसेस होंगे। दरअसल टाइगर MMA कुश्ती और मुक्केबाजी के बहुत बड़े शौकीन हैं और वे इस क्षेत्र की ही कोई फिल्म करना चाहते थे, इसलिए जैसे कि उन्होंने विक्रम की स्क्रिप्ट सुनी उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी, वह फिल्म की पहली पसंद बन गए। यह तो हुई फिल्म के अभिनेता के रोल के बारे में, तो वही अगर फिल्म के लिए चुनी गई अभिनेत्रियों की बात करें तो दो नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम तो अपने डांस के लिए पहचानी जाने वाली नूरा फतेह और दूसरी अभिनेत्री गेस करिए कोई और नहीं सिर्फ कृति सैनन की बहन नूपुर सैनन है। खबर आ रही है कि नूरा फतेह को कई बार इस फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी के ऑफिस के बाहर देखा गया था और इस फिल्म में उनका सेकंड फीमेल लोड होना लगभग तय है, मतलब कि वह इसमें केवल एक गाने के लिए नहीं बल्कि पूरी फिल्म में नजर आएंगी। बता दें कि नूरा फतेह ने इससे पहले रेमो डिसूजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में एज अ फीमेल लीड का काम किया था। उनके और कामों की बात करें तो वो साकी साकी, गर्मी आदि कई आइटम सॉन्ग्स में नजर आ चुकी है। हाल ही में गुरु रंधावा के साथ उनके गाने नाच मेरी रानी को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। वहीं अगर बात करें नूपुर सैनन की तो अभी तक उन्हें केवल अक्षय कुमार के साथ बीपराग के गाने फिलहाल में देखा गया था, लेकिन अपने गाने से ही उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया है। यदि उनका इस फिल्म में रोल तय हो जाता है तो वह फिल्म में उनकी मूवी लिस्ट की पहली फिल्में बन जाएंगी। बताते चलें कि इस फिल्म के अलावा टाइगर श्रॉफ साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हीरोपंती 2, बागी 4, हॉलीवुड फिल्म रैम्बो के हिंदी रीमेक में भी नजर आएंगे। हाल ही में इन फिल्मों की घोषणा हुई थी। ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर अकाउंट पर टाइगर श्रॉफ, डायरेक्टर अहमद खान और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एक फोटो शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, बागी टीम फिर से लौट रही है। टाइगर श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला और डायरेक्टर अहमद खान फिल्म बागी लेकर आ रहे हैं। शूटिंग दिसंबर से शुरू होगी। इससे पहले अहमद खान बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन कर चुके हैं। अब ये फिल्में कितनी सक्सेसफुल होती हैं ये जानने के लिए तो हमें बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। श्रॉफ की और सारी फिल्मों से कितनी अलग होने वाली है गणपत? टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म के लिए हाँ क्यों की? हाय गाइस, मेरा नाम है निदा और आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की गणपत मूवी की जो कि 2021 में रिलीज होने वाली है। तो क्या है इस फिल्म की नई अपडेट्स और क्या है फिल्म गणपत, ये सारी बातें जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे युवा एक्टर्स में से एक एक्टर है जिन्होंने 2014 में आई हीरोपंती से एंट्री मारी थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट हुई थी। अब ऐसे ही एक फिल्म और लेकर आ रहे हैं टाइगर गणपत, जिसका टीजर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और इस टीजर को काफी लाइक्स कमेंट्स मिल रहे हैं। वैसे आपको बता दूं कि गणपत एक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ड्रामा होने वाली है जो कि मुंबई के एक स्लम एरिया में एक लड़के के ऊपर होने वाली है कि उसने किस तरह से उस जगह से निकल कर बहुत सारी शोहरत पाई। वैसे कुछ सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि ये फिल्म एक बाप बेटे की भी कहानी होने वाली है। वैसे ये कितना सच है ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात की तो जरूर गारंटी है कि इस फिल्म में आपको बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा मसाला देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विकास, जब उन्होंने ये फिल्म बनाने का इरादा किया और इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने टाइगर श्रॉफ को सुनाई तो टाइगर श्रॉफ काफी एक्साइटेड हो गए थे और इस फिल्म के लिए तुरंत उन्होंने हाँ बोल दी कि मुझे इस तरह की फिल्में करने में काफी दिलचस्पी है और इसलिए वो इस फिल्म को करने को तैयार हो गए। वैसे ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि टाइगर श्रॉफ की सबसे सक्सेसफुल फिल्म वॉर, बागी 2 ये सारी एक्शन फिल्म थी। तो
वैसे आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ अपने डांस और स्टंट्स के लिए काफी जाने जाते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ की ज्यादातर पोस्ट डांस ट्यूटोरियल्स पर ही बेस्ड होती हैं। तो अब देखना है कि गणपत में कितने डांस नंबर्स उनके देखने को मिलते हैं। वैसे इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया डांस करने वालों में से शुमार हैं टाइगर श्रॉफ, और अपने डांस से वो कई एक्टर्स ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर को टक्कर देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ गणपत के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने 8 से 10 घंटे गणपत के लिए डेडिकेट कर दिए हैं, जिसमें एक्सरसाइज और डांस शामिल है। कहते हैं कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती, बर्बाद नहीं जाती। तो क्या टाइगर की ये सारी ही मेहनत गणपत के लिए सफल होगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि गणपत एक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ड्रामा होने वाली है, तो इस फिल्म में स्टेट लेवल की बॉक्सिंग भी दिखाई जाएगी, और इस फिल्म के लिए वो स्टेट लेवल के ट्रेनर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इस फिल्म का गणपत नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि किरदार को गणपति से काफी प्रेम है, और इसी वजह से इस फिल्म का नाम भी गणपत रखा गया। वैसे आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ की गणपत में क्या एक अलग अलग एलिमेंट्स कुछ देखने को मिलेंगे? क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारी मुक्केबाजी पर फिल्म बन चुकी है, चाहे वो मैरी कॉम हो या फिर मुक्केबाज हो, तो क्या ये सारी फिल्मों से एक अलग फिल्म बन के तैयार होगी गणपत? आपकी क्या राय है फिल्म गणपत के बारे में, आप बता सकते हैं। वैसे ये थे फिल्म गणपत के बारे में कुछ खबरें। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए फॉलो सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियो। क्या आप तैयार हैं एक्शन और स्वैग के लिए? जी हाँ, एक्शन, स्वैग और धमाल लेकर जल्द आ रहे हैं बॉलीवुड के ये सुपरस्टार। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राइड स्टूडियोज और मैं हूँ आपके साथ हिमांशी। बॉलीवुड के सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ एक बार फिर लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए भरपूर एक्शन। जी हाँ, टाइगर की आने वाली फिल्म गणपत कुछ ऐसी ही होगी। गणपत का टीजर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इसमें टाइगर का लुक काफी अलग नजर आ रहा है। इसके साथ ही टीजर में जो डायलॉग है वो भी काफी बेहतरीन है। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफी धमाकेदार है। गणपत को डायरेक्ट करेंगे विकास बहल और वासु भगनानी इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। गणपत फिल्म के कुल 2 पार्ट होंगे और गणपत पार्ट 1 साल 2022 में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग जून 2021 में शुरू हो जाएगी। गणपत फिल्म बॉक्सिंग पर बेस्ड होगी और इस फिल्म में टाइगर एक स्पोर्ट्समैन के लुक में नजर आएंगे। एक स्पोर्ट्समैन के लुक के लिए टाइगर अपने फिजिक पर काफी काम कर रहे हैं। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर होगा कि फिल्म में टाइगर के साथ कौन सी हीरोइन नजर आएगी? तो हम आपको बता दें कि फिल्म में टाइगर के साथ नूपुर सेनन और नौरा फतेही नजर आएंगी। जी हाँ, नूपुर सेनन कृति सेनन की बहन है और उन्हें फिलहाल गाने में अक्षय कुमार के साथ देखा गया था। नौरा फतेही फिल्मों में अपने आइटम सॉन्ग के लिए जानी जाती हैं, मगर लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने के लिए उनके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। टाइगर ने पिछले कुछ सालों में काफी हिट फिल्में दी हैं और अब टाइगर अपने फैंस के लिए बैक टू बैक सरप्राइजेस ला रहे हैं। गणपत के अलावा टाइगर हीरोपंती 2 और बागी 4 में भी नजर आने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि टाइगर अपने फैंस की उम्मीदों पर कितना खड़ा उतर पाएंगे। आप कितने एक्साइटेड हैं टाइगर की आने वाली फिल्मों के लिए, हमें जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी सभी अपडेट्स जानने के लिए आप देखते रहें। गणपत मूवी का मोशन पोस्टर अतरंगी अंदाज में स्वैग कैसे कर रहा है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। फिल्म हीरोपंती से अपना बॉलीवुड करियर शुरू करने वाले एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अक्सर अपने इंटेंस लुक और फिटनेस से सबको इम्प्रेस किया। इस बार भी टाइगर के नए लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया है। दरअसल हाल ही में टाइगर ने अपनी नई फिल्म गणपत पार्ट 1 का ऐलान किया था और अब एक्टर ने अपनी इस फिल्म का एक टीजर वीडियो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद हर कोई इस अपकमिंग फिल्म के इंतजार में है। बागी 3 फेम इस एक्टर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से इस टीजर वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उनका स्वैग देखने लायक है। वीडियो में टाइगर एक स्ट्रांग लुक में नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी शर्ट, पेट तक खुले हुए बटन और बॉडी के कट्स दिखाई दे रहे हैं। टाइगर का ये अंदाज हर किसी को पसंद आ रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए टाइगर ने लिखा, यारों का यार हूँ, दुश्मनों का बाप हूँ। गणपत का फर्स्ट लुक हाजिर है। आपको बता दें कि टाइगर के साथ इस फिल्म में
नुपुर सैनन और नोरा फतेही भी नजर आएंगी, मगर अब तक इसके बारे में कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। टाइगर श्रॉफ का यह लुक देख करके ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म में बहुत सारा एक्शन होने वाला है, जैसा कि अक्सर उनकी फिल्मों में होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार टाइगर श्रॉफ कुछ हट करके अपनी इस फिल्म में एक्शन दिखाएंगे। टाइगर की इस फिल्म से ही फिल्म की कहानी का पता चल जाता है। टाइगर श्रॉफ इसमें एक गरीब परिवार के एक बच्चे का किरदार निभा रहे हैं, जिसके सपनों में उड़ान होती है और वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और दुनिया की सारी कठिनाइयों का सामना करता है। अभी इस फिल्म में एक और करेक्टर की घोषणा होना बाकी है, जिसका रोल बहुत ही बड़ा बताया जा रहा है। अब वो एक्टर कौन हो सकता है, इसके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस। अब बात की जाए बॉलीवुड में त्योहारों की, तो भला कौन नहीं जानता कि भारत से अच्छे त्योहार तो कहीं नहीं मनाए जाते। दिवाली हो या होली हो या हो ईद, पूरे देश भर में रौनक लग जाती है और ऐसे ही हर स्टेट का एक अलग त्योहार भी होता है। अब जैसे गणेश चतुर्थी को ही ले लीजिए, गणेश चतुर्थी वैसे तो दिल्ली में भी मनाई जाती है, लेकिन जिस जोर शोर से इस त्योहार को मुंबई में मनाया जाता है वो तो काफी ज्यादा रोमांचक होता है। और हर किसी ने हमेशा देखा है कि गणेश जी का वेलकम और विसर्जन मुंबई से अच्छा कहीं और नहीं होता है। तो भाई भला बॉलीवुड इस सब पर फिल्म कैसे ना बनाए। बॉलीवुड में आज तक कई फिल्में बनाई गई हैं जिसमें गणपति जी का विसर्जन और वेलकम दिखाया गया है। तो अब मैं आप सभी को बता दूं कि साल 2021 में भी एक ऐसी ही फिल्म आने वाली है। तो भला ये कौन सी फिल्म है और कौन ऐसे एक्टर हैं जो इस बार गणपति जी का स्वागत करेंगे और किस तरह होने वाला है, यानी कि कितना धमाकेदार होने वाला है गणपति जी का ये वाला स्वागत। तो आप सभी को मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ और वीडियो में ले चलती हूँ। आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाले साल में गणपति जी के ऊपर बनाई जाने वाली फिल्म यानी कि गणपत की, गणपत चैप्टर 1। जी हाँ दोस्तों, गणपत एक फिल्म है जो शायद साल 2022 के शुरुआत में हम सभी के लिए सिनेमाघरों में रिलीज की जाए। फिल्म के तो नाम में ही गणपति जी हैं, तो भला ये फिल्म कैसी अच्छी नहीं होगी। जहाँ बॉलीवुड में सलमान खान का जलवा हम सभी ने देखा और सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा का गो गोविंदा हम सभी ने देखा, तो इस बार कौन ऐसे एक्टर होंगे जो गणपति जी को वेलकम करेंगे। तो मैं आप सभी को बता ही देती हूँ, वो एक्टर और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ हैं। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ। तो अभी तक तो दोस्तों आप सभी ने अंदाजा लगा ही लिया होगा या कहीं ना कहीं आप सबको आइडिया लग ही गया होगा कि इस बार गणपति जी का स्वागत कैसे होने वाला है। आज तक टाइगर ने हमें कई फिल्में दी हैं, वहीं उनकी आने वाली ये फिल्म उनकी पिछली फिल्मों से काफी अलग होने वाली है। टाइगर के लिए आने वाले साल में कई फिल्में लाइंड अप हैं, वहीं इस फिल्म पर काम करना उन्होंने सबसे पहले शुरू किया है। तो भला इस फिल्म में किस अलग रूप में नजर आने वाले हैं टाइगर, तो चलिए मैं आप सभी को बता ही देती हूँ। इस फिल्म में टाइगर एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आएंगे। तो क्या वो स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर होगा या कबड्डी प्लेयर होगा? जी नहीं, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे एक बॉक्सर के किरदार में। सही सुना आपने, ये वही टाइगर श्रॉफ हैं जिनको आज तक हम उनके आर्मी वाले किरदारों के लिए, उनके टफ किरदारों के लिए जानते हैं। तो इस फिल्म में वो एक बॉक्सर के किरदार में नजर आने वाले हैं। आज तक बॉलीवुड में कई सारी फिल्में बनी हैं, जिसमें से कई सारी फिल्में स्पोर्ट्स फिल्में भी रही हैं और इनमें से आधी फिल्में तो बायोग्राफीज होती हैं और कई फिल्में फिक्शन बेस्ड भी होती हैं। तो जहां बात की जाए बायोग्राफीज की, तो बायोग्राफीज इंडियन लेजेंड बॉक्सर्स के ऊपर बनाई गई कई फिल्में हैं। तो जैसे हमारे लेजेंड बॉक्सर मोहम्मद अली, उनके ऊपर कई शॉर्ट फिल्म्स, कई नॉवेल्स, कई बुक्स भी लिखी गई और यहाँ तक कि बॉलीवुड में फिल्म भी बनाई गई। और वहीं कई बॉक्सर्स ने भारत का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पर ले जाकर रख दिया, जैसे कि विजेंदर सिंह, उन्हें हाल ही में एक शो रोडीज में देखा गया था जहाँ पर वो जज बनकर आए थे। और वहीं मैरी कॉम, इनके ऊपर तो दोस्तों आप सभी पूरी की पूरी फिल्म देख चुके हैं। भारत में इन लोगों को तब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलती जब तक इनके बारे में सबको बताया ना जाए। फिल्मों से पहले लोग इनकी कहानी के बारे में, इनके स्ट्रगल के बारे में इतना नहीं जानते थे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, जब फिल्म मैरी कॉम बनी तो उस फिल्म की कहानी जिस तरीके से लोगों को दिखाई गई, उसके बाद लोगों को पता चला कि मैरी कॉम की जिंदगी कैसी थी। ना सिर्फ मैरी कॉम की जिंदगी बल्कि बॉक्सिंग जैसे अंडररेटेड खेल की अहमियत भी लोगों को समझ आई। तो बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जो इसी तरीके के स्पोर्ट्समैन के ऊपर हैं।
तो ऐसी ही एक फिल्म अगले साल आने वाली है, यानी कि गणपत चैप्टर वन। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें लीड किरदार में यानी कि गणपत बने नजर आएंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू में विकास बहल ने बताया कि वो इस फिल्म में मुंबईया टच देने वाले हैं, यानी कि इस फिल्म में एक मुंबई के लड़के की आम या फिर साधारण लड़के से एक बॉक्सर बनने तक की जर्नी दिखाई जाएगी। तो अब आप सभी तो समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म का आम और साधारण लड़का और कोई नहीं बल्कि टाइगर श्रॉफ है। अब जैसे कैरेक्टर के नाम से ही कैरेक्टर के ट्रेड्स के बारे में पता लगने लग जाता है, ऐसे ही आप सभी समझ गए होंगे कि इस फिल्म में गणपत यानी क्या। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे गणपत यानी के एक गणपति भक्त के किरदार में। अब दोस्तों टाइगर श्रॉफ का आने वाला साल बिजी रहने वाला है, यानी कि वो बिजी एक्टर्स की लिस्ट में आने वाले हैं। अब उनकी लगातार बहुत सी फिल्में जैसे हीरोपंती 2, रैम्बो, खलनायक 2 और जुड़वा 3 जैसी फिल्में एक कतार में लगी हुई हैं। तो भला क्या टाइगर इन सब फिल्मों के चलते अलग अलग फिल्में हर फिल्म में अपना पूरा 100% दे पाएंगे या नहीं, ये सब तो हम सभी को उनकी फिल्में देखने के बाद ही पता लगेगा। जहां टाइगर इतने बिजी होने वाले हैं, वहीं उनके फैंस एक्साइटेड होने वाले हैं। अब उनकी इस फिल्म में उनके साथ कौन सी हीरोइन नजर आएंगी, ये देखना तो दोस्तों अभी बाकी है। इस सब के अलावा टाइगर ने फिल्म का पहला मोशन पोस्टर अपने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ शेयर किया और ये बताया कि ये फिल्म उनके लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। साथ साथ वही टाइगर जिन्हें MMA रेसलिंग और बॉक्सिंग करना बहुत पसंद है, वो अपने फिजिक को इस फिल्म के लिए पूरी तरह तैयार करने में जुटे हुए हैं। अब ये देखना बाकी होगा क्या टाइगर की ये आने वाली फिल्म उनकी पिछली 3 फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में जुड़ जाएगी या उनकी बाकी फिल्मों की तरह सुपरहिट होगी। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको ऐसी ही किसी और फिल्म से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो तो हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जहाँ बहुत से न्यू कमर्स फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं टाइगर श्रॉफ भी ऑल सेट हैं। टाइगर श्रॉफ ने अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, अपने आने वाले फिल्म करियर के लिए पूरी तैयारी कर ली है। टाइगर श्रॉफ ना सिर्फ 1, 2, 3 बल्कि पूरी 5 फिल्म लेकर अगले साल हमारे लिए आने वाले हैं। तो भाई क्या होगा टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म का प्लॉट, क्या नया दिखने वाला है हमें टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म में और कौन सी फिल्म होगी टाइगर श्रॉफ की जो सबसे पहले वो रिलीज करवाएंगे, तो भाई आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म गणपत की। जी हाँ, गणपत चैप्टर 1। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका चैप्टर 1 बन तो रहा है लेकिन चैप्टर 2 भी आएगा, तो यानी कि ये फिल्म एक 2-पार्ट फ्रेंचाइज का हिस्सा होगी, जिसका मतलब है कि इस फिल्म के 2 भाग होंगे जिसमें से पहले भाग पर काम होना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, पहला भाग हमारे लिए साल 2022 के अंत तक आ भी जाएगा। तो दोस्तों इस फिल्म में टाइगर तो होंगे, इसका मतलब उनका एक्शन भी होगा, डांस भी होगा, बॉडी भी होगी और गुड लुक्स भी होंगे, लेकिन इस फिल्म में नया क्या होगा तो वो भी मैं आप सभी को बता दूं। इस फिल्म में होगा नया टाइगर का रूप। जी हाँ, टाइगर इस फिल्म में एक नए रूप में, एक अलग हटके अंदाज में नजर आएंगे और वो रूप होने वाला है टाइगर का एक बॉक्सर रूप। जी हाँ, आज से पहले हमने टाइगर को एक्शन करते हुए देखा, साधारण लड़के की तरह देखा, लेकिन इस फिल्म में हम उन्हें एक बॉक्सर की तरह देखेंगे, यानी कि एक स्पोर्ट्समैन की तरह देखेंगे, जो बात दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो अब टाइगर श्रॉफ एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में किस तरीके से हमें नजर आने वाले हैं, क्या वो इस फिल्म के लिए एक रफ लुक बना रहे हैं? तो हाँ दोस्तों, ये बात सच है, टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में एक रफ एंड टफ लुक बनाने में लगे हुए हैं। उनकी हर फिल्म में उनकी मेहनत साफ झलकती है, लेकिन जहाँ उनको इस फिल्म के बारे में बताया गया ना, तो टाइगर श्रॉफ की मेहनत उनकी पिछली फिल्मों से डबल और ट्रिपल हो चुकी थी। अब इस बात का रीजन भी जान लीजिए, टाइगर की मेहनत का सबसे बड़ा रीजन है उनका शौक। टाइगर श्रॉफ को ना सिर्फ एक्टिंग और ना सिर्फ डांस का शौक है, बल्कि वो रेसलिंग, MMA और यहाँ तक के बॉक्सिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो भाई जब टाइगर श्रॉफ को पता लगा कि इस फिल्म में बॉक्सिंग, यानी कि ये फिल्म बॉक्सिंग पर बन रही है, तो टाइगर श्रॉफ ने झट से ही स्क्रिप्ट को सुनकर हाँ कर दिया
और इतना ही नहीं, उन्होंने तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में हमें जहां हीरोइंस के साथ बहुत सॉफ्ट नजर आएंगे, वहीं रिंग में अपने फेलो बॉक्सर्स के साथ बहुत ज्यादा टफ नजर आने वाले हैं। तो टाइगर श्रॉफ क्या इस फिल्म में असली बॉक्सर्स यानी कि प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ लड़ेंगे या फिर उनके लिए उनकी फाइट आसान होने वाली है? तो दोस्तों रुकिए, मैं आप सभी को बता देती हूँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ असली बॉक्सर्स के विरुद्ध नजर आएंगे। जी हाँ, इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म में हायर करने के लिए प्रोफेशनल बॉक्सर्स को काफी हाई रेट पे किया है, जिस वजह से इस फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर्स भी होंगे। तो दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, हमारे टाइगर और प्रोफेशनल बॉक्सर्स के बीच टकरार, उनके बीच बॉक्सिंग, उनके बीच मुक्केबाजी। तो दोस्तों अब इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं, टाइगर श्रॉफ के लिए कोई हीरोइन भी होगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में दो हीरोइन सेलेक्ट की जा रही हैं। पहली हीरोइन होंगी अपनी दिलबर क्वीन, जी हाँ, नोरा फतेही, और दूसरी होंगी कृति सनन की बहन नूपुर सनन। इन दोनों के लिए जहाँ ये फिल्म बहुत बड़ी है, एक का डेब्यू है तो एक के लिए पहली बार लीड रोल, तो जहाँ ये फिल्म इन दोनों के लिए बड़ी है, वहीं टाइगर के लिए दो हीरोइन के साथ काम करना भी बहुत बड़ी बात है। अब क्या इस फिल्म के अंत में किसी एक का दिल टूटेगा? कौन होंगी वो जिसका दिल टाइगर तोड़ेंगे? तो ये तो दोस्तों हम सभी को फिल्म देखने के बाद पता लगेगा। अब बात करते हैं फिल्म के नाम की, गणपत। इस बात से क्या आया आपके दिमाग में? गणपति बप्पा। जी हाँ, इस फिल्म में गणपति बप्पा का बहुत बड़ा किरदार है। फिल्म में टाइगर से ज्यादा तो गणपति बप्पा नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में गणपति बप्पा के ही तो भक्त बने हैं। अब इस फिल्म में गणेश जी का स्वागत एक भक्त करेगा, यानी कि टाइगर श्रॉफ करेंगे। तो जरूर स्वागत में कुछ नया तो होगा, यानी कि ये फिल्म एक पूरा पिटारा होने वाली है दोस्तों। तो आपकी तरह हम लोग भी इस फिल्म को देखने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। तो ये थी इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही बातें जाननी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहना। तो भाई टाइगर श्रॉफ को कौन नहीं जानता और कौन ऐसा होगा जिसने टाइगर की दहाड़ ना सुनी हो। तो दोस्तों क्या आने वाले समय में टाइगर श्रॉफ एक ऐसी फिल्म के साथ आने वाले हैं जो हम सभी को सरप्राइज कर देगी, और क्या है ऐसा उस फिल्म में उनका किरदार, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहाँ आज हम बात करेंगे सुपरहिट न्यू कमर टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म गणपत चैप्टर 1 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें इस फिल्म की, तो सबसे पहले तो इस फिल्म के नाम पर आते हैं। इस फिल्म का नाम लेते ही मेरे दिमाग में तो बप्पा आते हैं, और मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे, और आखिर आए भी कैसे ना, फिल्म का नाम ही ऐसा है, फिल्म में टाइगर का किरदार ही ऐसा है। मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें गणपति भक्त बने नजर आएंगे। इस फिल्म में टाइगर के किरदार का नाम है गणपत, यानी कि टाइगर इज स्टारिंग इन एंड एज गणपत। तो दोस्तों आज से पहले हमने फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान, ऋतिक रोशन, सोनाक्षी सिन्हा और प्रभु देवा, इन सबको बप्पा का स्वागत करते हुए देखा है। वहीं आने वाले साल में हम टाइगर को बप्पा का स्वागत करते हुए देखेंगे। तो इसका मतलब बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये भक्त जो है ना, ये जरा हटके है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये भक्त इस फिल्म में बना है एक टपोरी, यानी कि पहली बार एक तो हम टाइगर श्रॉफ को एक टपोरी किरदार में देखेंगे, उसके अलावा हम देखेंगे उन्हें एक गणपति भक्त बना हुआ, यानी कि इस बार बप्पा का स्वागत एक टपोरी सा गणपति भक्त करेगा। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ इस फिल्म के सरप्राइज की ओर। तो जरा सबसे पहले आप बैठिए या जो भी कर रहे हैं रुक जाइए, क्योंकि आपको लगने वाला है शौक। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ दिखने वाले हैं हमें एक बॉक्सर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, आज से पहले टाइगर को स्पोर्ट्समैन बना हमने कभी नहीं देखा, या तो हमने उन्हें एक आर्मी ऑफिसर बना देखा है या एक साधारण लड़का बना देखा है, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन वो हम लोग पहली बार देखेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, वहीं जो रिस्क वो ले रहे हैं वो बहुत बड़ा है, क्योंकि एक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन में खेलते हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक रिस्क ले रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में नजर आने वाले, और वो स्पोर्ट्समैन होगा एक बॉक्सर। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मजा तो इस फिल्म में तब आएगा जब हम टाइगर को प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ लड़ते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डाउट मत करिए अपने आप पर, आपने सही सुना है,
प्रोफेशनल बॉक्सर्स। इस फिल्म में मेकर्स ने प्रोफेशनल बॉक्सर्स पर खूब पैसा खर्च किया है। फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर्स हमें टाइगर के खिलाफ उनके साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि फिल्म में फाइट तो है वो भी जबरदस्त वाली है। जहां एक तरफ टाइगर है जो ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन है, वहीं दूसरी तरफ है प्रोफेशनल बॉक्सर्स। अब दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि टाइगर ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन है और यहां तक कि बॉक्सिंग, रेसलिंग और एमएमए तो उनके इंटरेस्ट हैं, उनकी हॉबीज हैं। भाई आज तक मेरे जैसों की हॉबीज पूछो तो मेरी हॉबी तो बैठकर टीवी देखना है, लेकिन टाइगर श्रॉफ इनकी हॉबीज तो कुछ अलग ही हैं। टाइगर हमेशा से एक ऐसी ही फिल्म में काम करना चाहते थे जहां वो बॉक्सिंग कर पाए, तो मुझे लगता है शायद इस भक्त की सच में गणपति बप्पा ने सुन ली। अब आप लोगों को बता दूं कि जहां फिल्म में टाइगर हैं तो फिल्म में टाइगर की हीरोइन भी होंगी, और टाइगर की हीरोइन है तो इसका मतलब रोमांस भी होगा। तो इसका मतलब ये फिल्म होने वाली है एक फुल पैकेज, जिसमें होने वाला है स्पोर्ट्स, थ्रिल, एक्शन और साथ साथ रोमांस। तो दोस्तों वो हीरोइन कौन होने वाली है जिसके साथ टाइगर फिल्म में रोमांस करते हुए नजर आएंगे? वो हीरोइन और कोई नहीं, उनकी डेब्यू फिल्म की लीड हीरोइन कृति सनन है। जी हाँ दोस्तों, इस बात का खुलासा खुद टाइगर श्रॉफ ने एक मोशन पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए हम सभी को बताया था। उन्होंने ये भी लिखा कि वो कृति सनन जैसी मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो इसका मतलब ये फिल्म जब भी आएगी धमाका कर ही जाएगी। अब ये फिल्म आएगी कब? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म आने वाली है साल 2022 के अंत तक, और इस फिल्म पर काम होना शुरू हो चुका है। फिल्म की शूटिंग में टाइगर श्रॉफ अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं या कुछ और पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं जैनी शाहनवाज लिप टाइगर टाइगर टाइगर। दोस्तों ये मैं नहीं कह रही, ये आने वाले समय में आप कहेंगे। जी हाँ, आने वाले 2 सालों में टाइगर श्रॉफ हमें सरप्राइज करने के लिए पूरी तरह रेडी। तो भाई क्या आने वाले साल में टाइगर की कोई ऐसी मूवी आने वाली है जिसमें उनका किरदार बिल्कुल अलग हटके होगा, या फिर उनकी फिल्म का कॉन्सेप्ट होगा अभी तक की उनकी की गई सभी फिल्मों से अलग? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे हमारे सबसे सुपरहिट न्यूकमर की आने वाली नई फिल्म की। तो दोस्तों वो फिल्म और कोई फिल्म नहीं, गणपत चैप्टर 1 है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर के फैंस के लिए आने वाला साल दिवाली होने वाला है, यानी कि धूम धमाके पूरे साल सुनाई देने वाले हैं। तो दोस्तों लोग सुन लो, टाइगर श्रॉफ ने ना तो सिर्फ एक, ना दो, ना ही तीन, बल्कि 5 अलग अलग फिल्में साइन कर दी हैं, और वो भी सारी फिल्में अलग हैं आज तक की गई उनकी सभी फिल्मों में से। हर फिल्म में टाइगर का एक अनोखा रूप हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अब सबसे पहले बात करते हैं उनकी उस फिल्म की जिस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जितना इस फिल्म का नाम अलग है, उतना ही है इस फिल्म में टाइगर का किरदार अलग। सबसे पहले तो इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है वो सुन लीजिए। फिल्म को डायरेक्ट किया है क्वीन और शानदार के डायरेक्टर विकास बहल। जी हाँ, ये फिल्म जितनी टाइगर श्रॉफ के लिए अलग है उतनी ही विकास बहल के लिए भी अलग है। लेकिन आखिर अलग ऐसा है क्या? तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आने वाले हैं एक स्पोर्ट्समैन के किरदार में। जी हाँ, तो क्या वो स्पोर्ट्समैन क्रिकेटर होगा या होगा फुटबॉलर? नहीं दोस्तों, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें नजर आएंगे एक बॉक्सर के किरदार में। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ, और वो भी बॉक्सिंग। जिस टाइगर को हमने आर्मी ऑफिसर के रोल में देखा, हमने साधारण लड़के के रोल में देखा, अब उन्हें हम देखेंगे एक बॉक्सर के किरदार में। तो भाई बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि टाइगर हमेशा से एक ऐसी ही फिल्म करना चाहते थे। और अब आइए जानिए क्यों। टाइगर श्रॉफ ने आज तक कई फिल्में की, लेकिन टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को बताया कि अभी तक के उनके करियर की सबसे स्पेशल फिल्म गणपत चैप्टर 1 है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि उनको ये फिल्म इतनी स्पेशल क्यों लगती है। टाइगर श्रॉफ, जैसे कि हम सभी जानते हैं भाई, बड़े ही मल्टी टैलेंटेड है। डांस कह लो तो वो डांस करके दिखा देंगे, मार्शल आर्ट्स कहो तो वो करके दिखा देंगे, और एक्टिंग तो क्या जवाब उनका उस एक्टिंग में। लेकिन आप टाइगर के और टैलेंट्स के बारे में भी जानिए। टाइगर को एमएमए, रेसलिंग और बॉक्सिंग करना बेहद पसंद। तो भाई वो तो हमेशा से कहते थे कोई फिल्म मिले जिसमें मैं बॉक्सिंग कर पाऊँ तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। और लो, विकास बहल ने उनकी बात सुन ली, उनको स्क्रिप्ट लाकर हाथ में थमा दी और उनको कहा कि फिल्म में वो बॉक्सर बने हैं। तो भाई टाइगर श्रॉफ हो गए जबरदस्त खुश। टाइगर श्रॉफ की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा।
अब लेके ना आप सोच रहे होंगे कि फिल्म बनी है बॉक्सिंग और फिल्म का नाम है गणपत, कुछ साथ नहीं बैठ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आपको बताऊं, गड़बड़ नहीं है, फिल्म का नाम गणपत किसी वजह से है, इसके पीछे भी एक कहानी। तो आइए जानिए वो कहानी क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ बने हैं एक गणपति भक्त, जिस गणपति भक्त का नाम है गणपत, तभी है फिल्म का नाम गणपत। अब भाई देखिए, गणपत तो आपको पता लग गया, लेकिन ये चैप्टर वन जो आगे लगा हुआ है उसका क्या मतलब है, तो मैं आपको भी बता देती हूँ। चैप्टर वन से मेकर्स का मतलब है कि इस टू पार्ट फ्रेंचाइज फिल्म का ये पहला चैप्टर है और वहीं दूसरा चैप्टर भी आ जाए। अब भाई देखिए, टाइगर श्रॉफ है, मुक्केबाजी होगी, उनके गुण लोग होंगे, उनका फिजिक होगा, साथ साथ उनका रफ एंड टफ तड़का भी होगा। अब देखिए, टाइगर श्रॉफ है तो टाइगर के लिए हीरोइन कैसे ना हो, टाइगर ऑन स्क्रीन रोमांस कैसे ना करे। तो दोस्तों इस फिल्म में जो हीरोइन होंगी वो और कोई नहीं बल्कि टाइगर की डेब्यू फिल्म की लीड हीरोइन यानी के कृति सनन। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगी कृति सनन, यानी कि जो टाइगर श्रॉफ रिंग में बॉक्सर्स के साथ टफ नजर आएंगे, काफी रफ नजर आएंगे, वहीं अपनी हीरोइन के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हुए नजर आएंगे, यानी कि बड़ा ही मजा आने वाला है। टाइगर का एक्शन, टाइगर का ड्रामा, टाइगर के स्पोर्ट्स और टाइगर का रोमांस, सब कुछ हमें इस फिल्म में एक साथ देखने को मिलने वाला है। आप सभी की तरह हम भी इस फिल्म को लेकर बड़े ही एक्साइटेड हैं और हाँ, टाइगर श्रॉफ भी सुपर डुपर एक्साइटेड। अब देखिए, बात करें अगर फिल्म की रिलीज की, तो टाइगर श्रॉफ ने एक मोशन ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपने फैंस के साथ शेयर किया। उस पोस्टर में साफ दिख रहा है कि फिल्म साल 2022 में रिलीज होगी। तो दोस्तों सबर जरा सा लंबा है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि बहुत वर्थ होगा भाई, आप सब्र करेंगे लेकिन अंत में आपको मिलेगा धमाका। तो हाँ, वर्थ तो जरूर होने वाला है, तो अपने इंतजार को प्लीज कम मत होने दीजिएगा। और अगर आपको इस फिल्म से जुड़ी हो कि टाइगर अपनी आने वाली फिल्म में बने हैं एक गणपति भक्त, और क्या है इस गणपति भक्त का सपना, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे टाइगर श्रॉफ की आने वाली नई फिल्म गणपत चैप्टर वन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम टाइगर श्रॉफ को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि उनके फिल्म इंडस्ट्री में 6 साल पूरे हो गए, और इसके साथ साथ हम टाइगर श्रॉफ की तारीफ भी करना चाहेंगे, क्योंकि 6 साल में जो उन्होंने कर दिखाया वो कोई आसान बात नहीं है। जहां एक तरफ उनका नाम हाईएस्ट पेड न्यू कमर्स की लिस्ट में आ चुका है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया स्कोप मैगजीन में टॉप 100 एक्टर्स में भी टाइगर श्रॉफ का नाम है। और दोस्तों ये इसी बात का नतीजा है कि टाइगर को बहुत से मेकर्स अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि यही न्यू कमर उनकी फिल्म में काम करे, और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, टाइगर इतने मेहनती जो हैं। और दोस्तों ये इसी बात का नतीजा है कि आने वाले साल में टाइगर जरा सी भी फुर्सत पे नहीं है, वो बिल्कुल बिजी होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले साल में उनके पास लगातार प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं। जहां एक तरफ वो कॉमेडी फिल्म जुड़वा 3 में दिखाई देने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ वो हीरोपंती 2 जैसी फिल्म में भी काम करने वाले हैं, और साथ साथ पुरानी फिल्मों के सीक्वल में भी टाइगर नजर आएंगे। और अब वही बात करते हैं उनके सबसे अलग प्रोजेक्ट गणपत चैप्टर 1 की। दोस्तों गणपत चैप्टर 1 टाइगर श्रॉफ के लिए एक बहुत स्पेशल और बहुत अलग फिल्म है, और इस बारे में खुद टाइगर श्रॉफ ने अपने फैंस को बताया था। लेकिन ऐसा क्या अलग है इस फिल्म में कि टाइगर को ये फिल्म स्पेशल लगी? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये फिल्म ना सिर्फ टाइगर के लिए बल्कि फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल के लिए भी काफ़ी अलग फिल्म है। विकास बहल ने आज तक क्वीन और शानदार जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, वहीं इस फिल्म के साथ पहली बार विकास बहल हमें एक रियल लाइफ बेस्ड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के साथ आते हुए देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में टाइगर बने हैं एक स्पोर्ट्समैन, और कोई आम साधारण स्पोर्ट्समैन नहीं, वो बने हैं एक बॉक्सर। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में गणपत यानी कि टाइगर श्रॉफ जो एक गणपति भक्त होता है जो मुंबई में रहता है, उसकी साधारण से लड़के से बॉक्सर बनने तक की जर्नी दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां आज तक हम टाइगर के डांस से, टाइगर के एक्शन से, टाइगर की एक्टिंग से इंप्रेस हुए हैं, वहीं अब वक्त आ गया है कि उनकी बॉक्सिंग से भी इंप्रेस हो जाए। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि टाइगर श्रॉफ ऑलरेडी मार्शल आर्ट्स ट्रेन्ड है, वहीं जब बात आती है बॉक्सिंग और रेसलिंग की तो उनकी हॉबीज हैं, वो बहुत पसंद करते हैं रेसलिंग और बॉक्सिंग करना, और साथ साथ इन दोनों चीज़ों की साइड में टाइम पास के लिए ट्रेनिंग भी लिया करते थे।
पूरे कोरोना लॉकडाउन में उन्होंने बॉक्सिंग सीखी। तो वहीं जब उनके पास विकास बहल फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर आए तो टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म को करने के लिए एकदम ही हाँ कर दिया। उन्होंने ये तक कहा कि वो आज तक ऐसी ही किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे। तो अब जहाँ फिल्म में एक तरफ हमें टाइगर की टफनेस, एक तरफ उनकी रॉनेस और उनकी दहाड़ सुनाई देगी, वहीं दूसरी तरफ टाइगर का रोमांस भी दिखाई देगा। फिल्म में टाइगर के साथ नजर आएंगी उनकी डेब्यू फिल्म की हीरोइन कृति सनन। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ रोमांस का तड़का कृति सनन के साथ लगाने वाले हैं। तो यानी कि ये फिल्म एक फुल पैकेज होने वाली है। इस फिल्म में होने वाला है एक्शन, स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग और रोमांस, तो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। और पहली बार हम टाइगर को एक टपोरी किरदार में देखने वाले हैं, तो इससे ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको बॉलीवुड की और फिल्मों से जुड़ी ऐसी ही जानकारी हासिल करनी है तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सब। अब जहाँ बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ अपनी दहाड़ सभी को सुना चुके हैं, तो एक बार फिर वक्त आ चुका है कि हम टाइगर श्रॉफ का कमाल देखें। जहाँ टाइगर श्रॉफ की अगले साल में बहुत सारी नई फिल्में आने वाली हैं, तो वो कौन सी फिल्म होगी जो इन फिल्मों में से सबसे पहले आएगी? क्या अलग हट के होने वाला है इस फिल्म में? क्या होंगी इस फिल्म से जुड़ी खास बातें? तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म गणपत चैप्टर वन की। दोस्तों, गणपत चैप्टर वन टाइगर श्रॉफ की आने वाली पहली फिल्म होगी, जहाँ टाइगर श्रॉफ लगातार बहुत सी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हैं, वहीं उनकी सबसे पहले आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर वन होगी। अब जहाँ टाइगर श्रॉफ जुड़वा 3, हाउसफुल 2, खलनायक 2, हीरोपंती 2 और इतना ही नहीं रैम्बो रीमेक में नजर आएंगे, वहीं टाइगर श्रॉफ की सबसे पहले आने वाली फिल्म होगी गणपत चैप्टर वन। अब देखा जाए तो टाइगर श्रॉफ ने आज तक जितनी फिल्में दी हैं, हर फिल्म में एक्शन का टच जरूर दिखा है। यहाँ तक कि उनकी आने वाली फिल्मों में भी एक्शन दिखेगा, कॉमेडी दिखेगा, लेकिन उनकी इस फिल्म में कुछ अलग हटके होने वाला है। तो दोस्तों, अब वो अलग हटके क्या है तो मैं आप सभी को बता दूं, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ बिल्कुल अलग किरदार में नजर आएंगे और वो किरदार होगा एक स्पोर्ट्समैन का किरदार। जी हाँ, इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे एक बॉक्सर के किरदार में। तो भाई देखिए, आज तक टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं दुनिया जानती है उनके एक्टिंग की वजह से, उनके डांस की वजह से और इतना ही नहीं उनके फिजिक की वजह से। अब टाइगर श्रॉफ की बात कर ही रहे हैं तो बता देते हैं इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ का रोल। टाइगर श्रॉफ, आपको पता तो लग गया कि इस फिल्म में बॉक्सर बने नजर आएंगे, लेकिन हर बॉक्सर, हर क्रिकेटर, हर हीरो पहले एक आम आदमी था। तो दोस्तों, इस फिल्म में भी टाइगर श्रॉफ एक मुंबई के आम साधारण से लड़के बने नजर आएंगे। अब दोस्तों, फिल्म का नाम है गणपत, यानी कि गणपति जी। तो दोस्तों, इस फिल्म में गणपति जी का जिक्र इतना ज़्यादा क्यों है? फिल्म के नाम में ही गणपति जी साक्षात क्यों है? दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक गणपति भक्त के किरदार में नजर आएंगे। जी हाँ, ये वही साधारण आम लड़का है जो इस फिल्म में गणपति जी का स्वागत करेगा। अब गणपति जी का स्वागत करेंगे हमारे टाइगर, यानी कि कुछ दमदार, कुछ धमाकेदार जरूर होगा। अब जहां टाइगर श्रॉफ को फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन जो कमाल उन्होंने कर दिखाया ना, वो बहुत से बड़े बड़े एक्टर 10-15 सालों में भी नहीं कर पाते। तो भाई, टाइगर श्रॉफ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अब चलते हैं इस फिल्म की हीरोइन की ओर। अब इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं तो भाई कोई हीरोइन तो उनके साथ रोमांस करती हुई नजर आएगी ना। अगर खबरों की माने तो इस फिल्म में टाइगर के साथ नजर आएंगी 2 लीड हीरोइन। जी हाँ, 2 हीरोइन। अब 2 से मतलब एक का दिल टूटेगा, एक को टाइगर छोड़ देंगे, वहीं एक को अपना लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये 2 हीरोइंस कौन होने वाली हैं। पहली हीरोइन होंगी दिलबर क्वीन नोरा फतेही और दूसरी लीड हीरोइन होंगी नूपुर सनन। जी हाँ, कृति सनन की बहन नूपुर सनन। तो भाई, जहाँ एक के लिए पहली बार फिल्म के जरिए उन्हें लीड रोल मिलेगा, वहीं दूसरी के लिए ये फिल्म उनका डेब्यू होगी। तो टाइगर के साथ साथ हीरोइंस के लिए भी ये फिल्म काफ़ी अलग, काफ़ी चैलेंजिंग होने वाली है। अब बात करते हैं इस फिल्म की रिलीज डेट की। तो दोस्तों, फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी कोई खास खबर अभी तक नहीं आई है। बस इतना पता है कि शायद ये फिल्म 2021 के अंत तक।
अब भाई जब से बॉलीवुड में मैरी कॉम जैसी फिल्म आई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही फिल्में देखना चाहते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स फिल्में देखने का फीवर तो ज़रा हाई हो चुका है। लोग चाहते हैं कि बॉलीवुड में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फिल्में बने। स्पोर्ट्स फिल्में ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें ना सिर्फ खिलाड़ी का खेल बल्कि उसके उस खेल और उस सक्सेस के पीछे छुपी जो ज़िंदगी होती है वो भी देखने को मिलती है। कई स्पोर्ट्स फिल्म रियल लाइफ बेस्ड होती हैं और कई होती हैं बायोपिक्स। तो दोस्तों, क्या ऐसी ही एक और फिल्म इस साल आने वाली है और क्या वो फिल्म एक बायोपिक होने वाली है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं ज़ैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की जो साल 2021 में रिलीज होने वाली है। तो अब दोस्तों, जहाँ हमारे इंडियन मीडिया का काम है बड़े बड़े प्लेयर्स को और ज़्यादा बड़ा करना, वहीं बॉलीवुड का काम है कि वो उन ऐसे अनदेखे सुपर हीरोज को, यानी कि उन ऐसे खिलाड़ियों को जिनके बारे में ना कोई जानता है ना कोई सुनता है, उनकी कहानी को सबके सामने लाए। तो भाई बॉलीवुड ने जहाँ इस चीज़ का जिम्मा उठाया है तो वो एक से एक बड़ी फिल्म हमारे लिए प्रेजेंट करने को रेडी रहता है। अब आज से पहले बॉलीवुड में कई सारी स्पोर्ट्स फिल्में बनी हैं और वो ऐसी स्पोर्ट्स फिल्में थी कि वो जिन कैरेक्टर्स पर बनाई गई उनकी असल ज़िंदगी के बारे में लगभग 5% लोग ही जानते थे। अब इस बात का आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तो चलिए मैं दे देती हूँ। भाई जहाँ बात की जाए सचिन और सहवाग की, तो इस देश में कौन सा ऐसा बच्चा होगा, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ दोस्तों, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो सचिन और सहवाग को नहीं जानता होगा, अगर गिना जाए तो लगभग कोई नहीं। लेकिन जहाँ बात की जाए हमारे इंडियन बॉक्सर विकास कृष्ण, तो भाई पहली बात तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता था कि ये बॉक्सर है। दूसरी बात, ये एक ऐसे बड़े बॉक्सर हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। जी हाँ, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, मैं बड़े कह रही हूँ। विकास कृष्णन विजेंद्र सिंह के बाद एक लौते ऐसे इंडियन हैं जो ओलंपिक्स में 3 बार जा चुके हैं। अब बताइए उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट और उनके बारे में ज़्यादा लोग ही नहीं जानते। तो हमारे देश में ज़्यादातर इस तरीके का उम्दा टैलेंट नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब तक वो इंसान अमीर ना हो, जब तक वो इंसान कोई फेमस सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ ना हो, तब तक वो इंसान फेमस नहीं हो पाता। ये बात ज़रा कड़वी है दोस्तों, लेकिन सच है। तो इस बात को सही करने के लिए, इस बात पर ज़रा सी रोशनी डालने के लिए बॉलीवुड कुछ इसी तरीके की फिल्में हमारे लिए लाता है। तो अब मैं आप सभी को एक खुशखबरी दे देती हूँ, आने वाले साल में एक और स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म आने वाली है। डायरेक्टर विकास बहल ने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लाएंगे जिसके जरिए वो बॉक्सिंग जैसे अंडररेटेड खेल की अहमियत लोगों को समझा पाएंगे। इस फिल्म में विकास बहल के लिए लीड किरदार में नजर आएंगे टाइगर श्रॉफ। जी हाँ दोस्तों, टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ के वो बेटे जो इस वक्त इंडस्ट्री में छा चुके हैं, जो इस वक्त बॉलीवुड में फुल कमाल कर रहे हैं। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ ना सिर्फ दिखाई देंगे बल्कि एक बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे, यानी कि टाइगर की अभी तक की बनी सभी फिल्मों में से सबसे अलग फिल्म होने वाली है। तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हमें एक बॉक्सर के किरदार में तो नजर आएंगे ही, लेकिन दोस्तों साथ साथ छोटा सा सरप्राइज भी है। ये फिल्म एक मुंबई बेस्ड लड़के पर है, तो इस बात से साफ साबित होता है कि इस फिल्म में टाइगर का थोड़ा मुंबईयापन, थोड़ा टपोरीपन जरूर दिखाई देने वाला है। तो ये बात तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई। जहाँ टाइगर श्रॉफ आज तक अपने एक्शन के लिए फेमस थे, अब एक रफ लुक में, एक स्पोर्ट्समैन के लुक में देखने के लिए तो भाई कौन बेताब नहीं होगा। अब जहाँ बात की जाए टाइगर श्रॉफ, तो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ तो है ही, लेकिन उनके साथ 2 एक्ट्रेसेस होने वाली, यानी कि 2 लीडिंग लेडीज, जिसमें से पहली लीडिंग लेडी होंगी नोरा फतेही और दूसरी लीडिंग लेडी होंगी नुपुर सनन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इस फिल्म में किसी एक हीरोइन का दिल दुखने वाला है, क्या टाइगर श्रॉफ किसी एक को इस फिल्म में चुनने वाले हैं, तो आखिर इस फिल्म में किसका दिल टूटेगा। तो दोस्तों ये खबर तो हम सभी इस फिल्म को देखने के बाद ही पता कर पाएंगे। इस फिल्म में काफी और इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। अब जैसे फिल्म का ट्रेलर आया है, वो पहला मोशन ट्रेलर है जिसको टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, और शेयर करते करते टाइगर श्रॉफ ने ये भी बताया कि ये फिल्म उनके लिए बहुत स्पेशल फिल्म है।
इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ ने इस फिल्म में काम करने के लिए तो जैसे अपनी पूरी मेहनत कर डाली। टाइगर श्रॉफ हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिनको हम सभी जानते हैं कि वो बहुत मल्टी टैलेंटेड है। तो अब जहाँ भाई टाइगर श्रॉफ को इस तरीके की मूवी दी जाए तो भला इस फिल्म में वो अपना टैलेंट कैसे नहीं दिखाएंगे। टाइगर श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि रेसलिंग, एमएमओ और बॉक्सिंग उन्हें इतनी ज्यादा पसंद है कि वो तो हर चीज की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब जहाँ इस फिल्म में उन्होंने शब्द सुना भाई बॉक्सिंग, तो टाइगर श्रॉफ ने एक झटके में इस फिल्म को करने के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी भी नहीं सुनी और उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं ये फिल्म करने के लिए राजी हूँ। तो भाई ज़रूर इस फिल्म में टाइगर की मेहनत तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन टाइगर जिस चाव से इस फिल्म को करते दिखेंगे वो भी हम सभी के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म से जुड़ी तमाम बातें। अगर आपको और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड की फिल्मों से जुड़ी बातें जाननी तो हमारे साथ बने रही और हमारे चैनल बॉलीग्राफ्स, जहाँ साल 2020 सरप्राइजेस से भरा हुआ था, वही साल 2021 के सरप्राइजेस की शुरुआत हो चुकी है। क्या अभी तक के सबसे सुपर हिट न्यू कमर फिर वापस आ रहे हैं? क्या होगी टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर 1 की स्टोरी? तो आइए जानते हैं। मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे फिल्म गणपत की। जहाँ फिल्म इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ को काम करते हुए अब 6 साल पूरे हो चुके हैं, वहीं वो एक बार फिर वापस आ रहे हैं अपनी नई फिल्म के साथ। टाइगर श्रॉफ ने फिल्म जगत में अपना डेब्यू 2014 में फिल्म हीरोपंती के साथ किया था, जहां पर उनका प्रदर्शन काफी सराहनीय था। तो फैंस को उनकी आने वाली हर फिल्म से एक नई उम्मीद बनी रहती है। तो आइए उस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। टाइगर की आने वाली फिल्म गणपत चैप्टर 1 एक रियल कहानी पर आधारित होगी। इस फिल्म में टाइगर एक बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे, यानी कि हम सभी को टाइगर की मस्कुलिनिटी फिर देखने को मिलेगी। टाइगर की आज तक बनी फिल्में, चाहे वो हीरोपंती हो या बागी या वॉर, हर फिल्म में हमें उनका एक्शन भरपूर देखने को मिला है और टाइगर ने अपने हर किरदार को पूरी पूर्णता के साथ निभाया है। तभी तो सबसे पहले अगर किसी न्यू कमर का नाम लिया जाता है तो उसमें टाइगर का नाम सबसे टॉप पर आता है। वहीं फैंस को इस फिल्म के जरिए टाइगर का एक नया रूप देखने को मिलेगा। इस फिल्म में ना सिर्फ एक्शन बल्कि टाइगर बॉक्सिंग करते हुए नजर आएंगे। सभी फिल्म मेकर्स टाइगर श्रॉफ में अपना पूरा भरोसा दिखाते हैं और आखिर दिखाएं भी क्यों ना, टाइगर ने आज तक इतनी सुपरहिट फिल्में जो दी हैं। फिल्म गणपत के मेकर्स का मानना है कि इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ से बेहतर चॉइस कोई और हो ही नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म के पेपर्स टाइगर श्रॉफ से साइन करवा लिए हैं। और ये भी पता चला है कि टाइगर श्रॉफ को इस फिल्म में पूरे 30 करोड़ के लिए साइन किया गया है। टाइगर श्रॉफ एक ऐसे न्यू कमर है जिनका बजट काफी हाई रहता है और आखिर हो भी क्यों ना, उनके एक्टिंग स्किल्स ही एकदम फुल पावर जो है। टाइगर को कई बार आपने अवार्ड फंक्शंस और फिल्म सेट्स पर स्टंट्स और डांस परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा होगा। इस बात से साफ साबित होता है कि टाइगर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ये सब। टाइगर को एमएमए, रेसलिंग और बॉक्सिंग बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब उन्होंने फिल्म गणपत की स्क्रिप्ट सुनी तो वो इसको करने से ना ना कह सके, बल्कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट को सुनते ही हाँ कर दिया। टाइगर इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत डेडिकेटेड है। जहाँ हर एक्टर, एक्ट्रेस, हर इंसान ने कोरोना लॉकडाउन में कुछ ना कुछ नया करने की सोची, वहीं टाइगर ने भी इस कोरोना लॉकडाउन का पूरा उपयोग किया। उन्होंने इस लॉकडाउन में अपने फिजिक, अपने स्पोर्ट्स फिजिक पर पूरा काम किया। उन्होंने इस फिल्म के लिए परफेक्ट दिखने के लिए अपनी बॉडी को एक बॉक्सर के किरदार में ढाल दिया है। इतने कम समय में इतना बड़ा नाम कमाना कोई आसान बात नहीं है। जहां आज तक लोग टाइगर के डांस मूव्स के फैन रहे हैं, वहीं इस फिल्म में उन्हें बॉक्सिंग करने के लिए देखने के लिए जरूर बेताब होंगे। इस फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए ना सिर्फ मेकर्स बल्कि टाइगर पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो अपने बॉक्सिंग स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि उनके फैंस उनकी हर परफॉर्मेंस देखकर खुश हों। और टाइगर की इसी मेहनत का नतीजा है कि वो स्टार किड्स यानी के यंग स्टार किड्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं। फिल्म का नाम गणपत, जैसे कि आप समझ ही रहे होंगे, यानी के गणपति जी का भक्त। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ गणपति जी के भक्त का किरदार अदा कर रहे हैं।
आज तक फिल्म जगत में टाइगर श्रॉफ ने 8 फिल्में की हैं, जिसमें से उन्होंने हमें 3 फ्लॉप भी दी हैं। तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि क्या पता इस फिल्म से टाइगर हमें निराश करेंगे या एक बार उनकी दहाड़ पूरे बॉलीवुड को फिर सुनाई देगी। और सिर्फ टाइगर ही नहीं, डायरेक्टर विकास बहल के लिए भी ये एक बहुत अलग किस्म का प्रोजेक्ट होने वाला है। आज तक विकास बहल ने शानदार और क्वीन जैसी फिल्मों पर काम किया है, लेकिन एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म उनके लिए भी काफी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म गणपत चैप्टर 1 से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपको हमसे और बातें या और चटपटी न्यूज जाननी हो तो हमारे साथ बने रहिएगा। मैं जैनी शाहनवाज एक बार फिर आप सभी के लिए हाजिर रहूंगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्यों नहीं चाहते टाइगर श्रॉफ अपने पिता जैकी श्रॉफ के साथ काम, और क्यों नहीं कर रहे वो अपने करियर के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आज मैं बात करूंगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत के बारे में। मेरा नाम है निदा और आज आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी बातें जो आपको शायद नहीं पता होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बॉलीग्रैड स्टूडियोज को फॉलो, शेयर, कॉमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में अपनी जगह बना ली है। इन्होंने एक्शन हीरो के तौर पर एंट्री मारी थी और एक बार फिर से वो एक्शन करते हुए नजर आएंगे गणपत में। टाइगर श्रॉफ के पास बहुत सारी फिल्में हैं, उनके पास रैम्बो भी है और बहुत सारी इंस्टॉलमेंट्स भी है, जैसे कि हीरोपंती 2, हीरोपंती 3, हीरोपंती 4। आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत 2 पार्ट्स में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। सोर्सेस का कहना है कि पार्ट 1 2021 में रिलीज होगा। इस फिल्म में प्रोफेशनल बॉक्सर की कहानी दिखाई जाएगी जो मुंबई में रहता है और बहुत बड़ा बॉक्सर बन जाता है। इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ उसी का कैरेक्टर निभाते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म के लिए टाइगर श्रॉफ ने काफी मेहनत करी अपनी बॉडी के लिए। आपको बता दूं कि जब लॉकडाउन लग गया था तो इस बॉडी को मेंटेन करने के लिए टाइगर श्रॉफ ने काफी महीने पसीना बहाया था। अब उनकी बॉडी तैयार हो गई है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे विकास बहल। आपको बता दूं कि विकास बहल पहली बार कोई एक्शन थ्रिलर ड्रामा डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने कोई भी एक्शन थ्रिलर ड्रामा नहीं की थी। इस फिल्म में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को लेना जरूरी समझा क्योंकि वो कुश्ती के खुद फैन हैं, तो इस फिल्म में वो अच्छा अभिनय कर सकते हैं। इसीलिए विकास बहल ने उनको जाकर स्क्रिप्ट सुना दी और ये स्क्रिप्ट सुनते ही टाइगर श्रॉफ ने तुरंत हाँ कह दिया। मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं लिया कि इस फिल्म को, थोड़ा सा भी वक्त लेते सुनने के लिए। आपको बता दूं कि इस फिल्म में नूपुर सेनन और नोरा फतेही भी दिखाई देंगी। बाकी अभी सारी बातें गुप्त रखी गई हैं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था जिसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ही बोल्ड अंदाज में दिख रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग ऐसे शुरुआत होती है कुछ इमारतों और खंडहरों से, जिसमें ऐसा फील आता है जैसे वीडियो गेम कोई ओपन हो रहा हो। वैसे ही ओपनिंग के साथ टाइगर श्रॉफ को दिखाया जाता है जो गन लिए होते हैं और वॉइस ओवर कहता है कि जब मैं डरता हूँ तो और भी मारता हूँ, जिसको काफी शेयर, लाइक, कमेंट और व्यूज मिले थे यूट्यूब पर। आपको बता दूं कि टाइगर श्रॉफ की काफी इमेज एक्शन हीरो के तौर पर सेट हो चुकी है, फैंस उनको प्यार करते हैं। आपको बता दूं कि गणपत पार्ट 1 में बाप बेटे की कहानी बनाई जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मदर इंडिया के बाद ये फिल्म फादर इंडिया बन सकती है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे चलते हैं कि टाइगर श्रॉफ अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करना चाहते हैं और क्यों वो एक्शन फिल्में ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ये बात टाइगर श्रॉफ से पूछी गई कि आप एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते, आप एक एक्शन हीरो के तौर पर सेट हो गए हैं, कुछ और एक्सपेरिमेंटल भी करके देखिए, तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे डांस और एक्शन के लिए फिल्म देखते हैं और इसी वजह से वो थिएटर भी आ जाते हैं, तो मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ कि मेरी वजह से लोग थिएटर तक आ जाते हैं और मैंने अपनी इमेज एक्शन हीरो के तौर पर बना ली है, तो मुझे काफ़ी संतुष्टि होती है और मैं उन लोगों का काफ़ी सम्मान करता हूँ जो अलग अलग रोल करते हैं और अलग अलग इमेज दिखाते हैं। वो बहुत ही साहसी हैं और मैं अभी खुश हूँ इन तरह के रोल में। तो बाकी अब देखना है कि टाइगर श्रॉफ इस कड़ी को कब तोड़ेंगे। बाकी अभी तो एक्शन हीरो के तौर पर वो काफी सेट हो चुके हैं। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा कि गणपत पार्ट 1 में बाप बेटे की कहानी को दिखाया जाएगा, तो क्या विकास बहल टाइगर श्रॉफ के बाप जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में ला सकते हैं? तो आपको बता दूं कि अभी तक उस रोल में कोई भी कास्ट नहीं हुआ है, लेकिन टाइगर श्रॉफ से बहुत सालों पहले पूछा गया था कि क्या आप अपने पापा के साथ फिल्म शेयर करना चाहेंगे, जिस पर उन्होंने जवाब दिया था तक कोई भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं मिली है जिसमें हम दोनों काम करें। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं भाग जाऊंगा क्योंकि मैं कभी भी फिल्मों के बारे में उनसे बात नहीं करता। जब भी फिल्म बन जाती है तो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट उनको दिखा देता हूँ और वो कहते हैं कि जा तू पास हो गया।
अब देखना है कि ये हिचक और ये चीजें टाइगर श्रॉफ की क्या दूर हो पाएंगी। बाकी आपको क्या लगता है कि टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ को एक साथ आना चाहिए, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जैकी श्रॉफ तो विलन के किरदार में काफी अच्छे लगते हैं, अब देखना है कि बाप के किरदार में वो कितने अच्छे लगेंगे। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये थे टाइगर श्रॉफ और उनकी फिल्म गणपत से जुड़े कुछ फैक्ट। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, जहां पर हम आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर देते हैं।